है हम आपको देने के। तो इसी तरह से हमारा आज का कोर्स जो है वो एक अलग ही चीज है। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसको जानने के लिए, समझने के लिए। ये बात मैं आप लोगों के चेहरों से भी देख सकती हूँ जिनके वीडियोस ऑन है। जिनके बंद है उनका तो वो पता नहीं, लेकिन हाँ जिनके ऑन है उनके चेहरों पर जो स्माइल है वो और आगे हमको काम करने के लिए, आप लोगों को और अच्छी चीजें देने के लिए अग्रसर देती है। मतलब हमको पुश करती है इन चीजों को कि हम आप लोगों को और अच्छी चीजें बेहतर दे सके। तो आज उसी में एक और कोशिश है जो ज्वाला जी आज कर रही है। हमारी जो फैकल्टी है वो PLR और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एडवांस लेवल जो लेकर आई है वो, तो उसमें आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है। और उजाला जी जो हमारी फैकल्टी है, बहुत आप लोग जानते भी हैं, एक बहुत ही एक अलग लेवल की है वो। PLR, हिप्नोसिस और ऐसी जो मोडालिटीज होती है ना जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना होता है और वहां तक जाने की कोशिश भी नहीं करते, वो इन्होंने इतनी इजी बना दी है और बहुत अच्छी तरीके से सबको एक्सप्लेन किया है। और बहुत सारे लोग तो उनको वो कर ही रहे हैं, उनकी हीलिंग से टीचिंग्स ले लेकर उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बहुत अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आज एडवांस PLR का वेबिनार है, तो आप लोगों से सबसे गुजारिश ही करूंगी कि सब लोग अपना वीडियो ऑन करें और एक बहुत ही तहे दिल से उजाला जी का वेलकम करेंगे हम अपने फोरम पर। उजाला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you very much, Anshuji. Thank you for your kind words. And don't forget that because of you, I'm in faculty today. Anshu ji ne hi mujhe actually introduce karaya tha sir se, ye academy se. And I'm very thankful to her ki itna wonderful platform mujhe mila. And thank you, sir. And thank you, Poonam ji. Itni achhi tarah se manage karte hain har cheez ko. मतलब किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे कोई और हो, जो भी फैकल्टी से जुड़ा है, जो भी कोई एकेडमी से जुड़ा है, एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट, एवरीबडी इज वैल्यूएबल फॉर अस। अस मीन्स नॉट ओनली फॉर मी एंड सर, फॉर ईच एंड एवरी टीचर। लाइक कोई भी स्टूडेंट जो आता है फैकल्टी में, हर कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये जितनी भी मॉडलिटीज हम यहाँ सीख रहे हैं, वो केवल मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जो भी टीचर सिखा रहे हैं उससे हम लोगों का भला कर सकते हैं। ये हमारी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है कि हम वो भला कैसे करना चाहते हैं। कुछ लोग अपना प्रोफेशन बना के उसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ लोग केवल मानव सेवा के नाम पे हम आगे काम करते हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन अकेडमी एंड उनसे जुड़ के मैं अपनी तरफ से, या एवरी टीचर जो फैकल्टी में है वो अपना 100% देते हैं अकेडमी को। और ये जो एडवांस कोर्स है, ये उसी 100% का जो हमें देना है आपको, उसका एक पार्ट है। क्योंकि सब लोग जो PLR कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, PLR आप सीख गए थे, सारा PLR पूरी तरह से हम लोग सीख चुके हैं, सब लोग PLR कर रहे हैं, पर फिर भी छोटी 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 जो चीजें होती है, जहाँ पे हमको कभी कभी लगता है शायद थोड़ा सा और हम इसमें एक्सपर्ट हो पाते। तो एक्चुअली मैं बताऊँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ एक पास्ट लाइफ देखने का आर्ट नहीं है, वो सिर्फ आपको हिप्नोसिस में ले जाने का आर्ट नहीं है। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा गहरी मॉडलिटी है, जिसमें आप केवल पास्ट लाइफ के थ्रू ही नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते। वो तो सबको ही पता है कि जब हमारा कोई इशू होता है, उसकी कुछ रूट्स हमारे पिछले जन्म से आती हैं, जिनको हम पिछले जन्म में जाके देखते हैं, और उस जो आज हमारी लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका आंसर हमको मिलता है वहां पर। और वहां से हम अपनी लर्निंग लेके आते हैं, या हम ये जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए था जो हमने नहीं किया पिछले जन्म में, जिसके लिए हमारा ये जन्म दोबारा हुआ है, और जिसकी वजह से हमें ये जो हमारा लाइफ पैटर्न है वो हम कैरी कर रहे हैं इस जन्म में भी। पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। डेफिनेटली जो हमारा एडवांस लेवल है उसमें हम पास्ट लाइफ तो करेंगे ही, हम एक पास्ट लाइफ का रीकैप भी पूरा करेंगे। क्योंकि जो कुछ लोग हमारे इस एडवांस लेवल में नए जुड़ने वाले हैं, जो वीडियोस देखेंगे, उनकी कोई क्वेरीज होगी, तो डेफिनेटली जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक रीकैप के साथ स्टार्ट करेंगे। पास्ट लाइफ में तो सभी लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन
कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज भी, जिसमें हम आपको, जैसे डॉक्टर होता है ना, कि जिसके पास हमको जाना है, अगर हमें एक प्रॉब्लम है तो उस डॉक्टर को पता है कि किस किस गोली को देने से हमारी तकलीफ दूर होने वाली है। सेम चीज हम यहाँ करने वाले हैं। आप यहाँ पे पूरी तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोसिस के डॉक्टर बनने वाले हैं, कि आपके पास अगर कोई भी अपना इशू लेकर के आता है तो आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है या सिर्फ पास्ट लाइफ है। नहीं, पास्ट लाइफ के अलावा भी हिप्नोसिस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम सीख सकते हैं। जैसे पेन मैनेजमेंट करना हम सीख सकते हैं। हमारे कितने तरह के पेन होते हैं, हमारी बॉडी में पेन होता है, हमारे हेडेक्स होते हैं, माइग्रेन्स होते हैं, कुछ इंटेंशनल पेन होते हैं, क्योंकि हम लोगों की सिंपैथी लेने के लिए भी हम अपनी बॉडी में पेन्स रखते हैं, ताकि हम लोगों को बोल सके अरे हमें कितना पेन है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह की चीजें भी हम इस एडवांस लेवल पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हैंडल करेंगे। सो इट इज जस्ट लाइक, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवा देता है, आप उसको टाइमली खाते हैं और आपको पता है कौन सी डोज कब देनी है, कैसे देनी है। तो इस लेवल में, इस एडवांस लेवल में कुछ इतनी अच्छी चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। प्लस जो कुछ आप लोग कर रहे थे, कुछ लोगों ने सामने आके बहुत अच्छे से पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, जैसे सुभाष राणा जी हैं, राखी जी हैं, इन लोगों ने इतना अच्छे से सबके सामने पास्ट लाइफ करना एक बड़ी बात होती है, लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली बहुत अच्छे पास्ट लाइफ के रेजोल्यूशंस निकाले। लेकिन उसके आगे क्या, इसके आगे भी बहुत कुछ है। सबसे पहले तो जो है एज रिग्रेशन हम इसमें सीखेंगे, जो टेक्निकली अभी तक हम सिर्फ एज रिग्रेशन कर रहे थे, इनर चाइल्ड कर रहे थे कि भाई ठीक है हमारा इनर चाइल्ड का प्रॉब्लम है तो हम इनर चाइल्ड करेंगे, उसका एक स्क्रिप्ट था। बट अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर आप कोई इशू या कोई पैटर्न लेते हैं आपकी लाइफ में, जैसे सपोज आपको हमेशा पैसे का प्रॉब्लम रहा, जब आप पैदा हुए तो आपके पेरेंट्स के पास पैसे का प्रॉब्लम था, फिर आप जब बड़े हुए तो आप खुद इतना नहीं कमा पाए, और जितना आप कमाते थे उसमें भी आप अपना पूरी तरह से खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी मैरिज हो गई तभी भी हमको सेम प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली हमारे किसी एज रिग्रेशन में, जो कि एज रिग्रेशन आपका मदर के वूम में भी हो सकता है जो हमने किया है, बट ये एक अलग ही तरीके का सिस्टमेटिक एज रिग्रेशन होगा, जहां पे उस वो थॉट कि पैसे की कमी होती है, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये थॉट नहीं है कि पैसा कमाना मुश्किल है या पैसे की कमी होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत रियल चीज है इस दुनिया में, या हम कोई काम करके सिर्फ बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं, या केवल हम जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, या कोई इनसिक्योरिटी पैसे को लेके आपकी लाइफ में कहाँ से आई, वो हम एज रिग्रेशन में जाके देख सकते हैं कि किस एज पे आपने ये प्रॉब्लम क्रिएट की और क्यों की। क्योंकि जब तक हम एज रिग्रेशन में जाके उस पूरे पैटर्न को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आपका वो प्रॉब्लम जाएगा ही नहीं। एंड एडवांस लेवल पे एक श्योर शॉट हो जाता है कि ये जो प्रॉब्लम लेके आया है मेरा क्लाइंट, उसका मेरे पास सोल्यूशन है ही है। अब हम पास्ट लाइफ पे डिपेंडेंट नहीं है कि सिर्फ पास्ट लाइफ में जाएगा हमारा क्लाइंट, वो देखेगा तो हम उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। देर आर मेनी अदर वेज, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज इसमें इंट्रोड्यूस की जाएंगी। सो देर आर मेनी अदर हिप्नोटिक मॉडलिटीज, जहाँ पे आपको जो एडवांस लेवल का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे उसमें वो की कहाँ है वो आपको पता चलेगा। जैसे एक नई टेक्निक इसमें मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, जिसको बोलते हैं पेरिस विंडो। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई कि मैम किस में मुझे हिप्नोसिस में जाना है, किस में हमें पास्ट लाइफ करना है, या किस केस में हमको कौन सा, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं पर किसको क्या सोल्यूशन देना है। तो एक्चुअली पेरिस विंडो एक ऐसी चीज है जो आपका क्लाइंट खुद आपको बताएगा कि मेरा सोल्यूशन ये है। एक्चुअली साइकोलॉजिकली क्या होता है कि सबको पता होता है कि उनका सोल्यूशन क्या है, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम में इतने ज्यादा जा चुके होते हैं कि हम उस सोल्यूशन को भूल जाते हैं। यहाँ पे थेरेपिस्ट की आपको जरूरत पड़ती है, फिर थेरेपिस्ट आपको टेक्निक के साथ लेके जाता है, और आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्लस उसका रूट कॉज प्लस उसके लिए आपको कौन सी चीज अब करनी है, कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है, हिप्नोसिस करना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, एज रिग्रेशन करना है, पेन मैनेजमेंट करना है, या देर आर लॉट मेनी थिंग्स,
एंडलेस, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होने से आपको ये पता है कि मुझे ये करने से इसको मैं 100% क्योर दे सकती हूँ, तो वो एक आप पूरा सीखेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आप क्या चीज चूज करते हैं लाइफ में तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज क्या है और वो कहाँ से आया। तो इसमें थेरेपिस्ट का काम इतना आसान हो जाता है कि वो आपका क्लाइंट खुद ही आपको सोल्यूशन दे जाता है। तो ये जो पेरिस विंडो है ये हम टेक्निकली क्लास में सीखेंगे, जिससे आप इतने, जैसे होता है ना कि अभी तक तो हमको ये था कि हाँ ठीक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, पास्ट लाइफ से हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, ये हो जाता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें पास्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए बहुत सारी और दूसरी टेक्निक्स हैं जो आपको एकदम क्लियर कर देंगे कि नहीं भाई मुझे यही करना है। जैसे मैंने अभी पेन मैनेजमेंट का बात किया, पेन मैनेजमेंट इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक है, किस तरह से माइग्रेन आपको हैंडल करना है, किस तरह से आपको हेडेक हैंडल करना है, या किसी भी बॉडी पार्ट में अगर पेन है तो उसको हमको किस तरह से रिलीज करना है। एंड बिलीव मी, अगर एक बार आप वो प्रोसेस कर देते हैं किसी का तो वो पेन कभी वापस नहीं आता। क्योंकि दो बातें, एक तो पेन आपने किस कारण से बॉडी में रखा है, वो ये पेन आपका है या आपने किसी और का पेन लिया है, या ये पेन आपने किसी वजह से, जिसको इंटेंशनल पेन कहते हैं, तो वो आपने किस वजह से रखा हुआ है अपनी बॉडी में, तो आप उसको उसी तरीके से रिलीज भी कर सकते हैं। और ये फॉरएवर रिलीज होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज किया कल फिर से वापस आया आपका क्लाइंट फिर से आपको कंप्लेंट करना, इसकी कोई जगह ही नहीं है इसमें एडवांस लेवल में। इसके अलावा छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं कि आपके अगर कोई बहुत गहरे कोई इमोशंस है, जैसे आपको बहुत ट्रॉमा लगा है, आपको बहुत इमोशनल सैडबैक आए हैं आपकी लाइफ में, जिसको लेकर के आप हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों को पता नहीं होता लेकिन हमारे ट्रॉमास हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज क्रिएट करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी ड्रेनेज क्रिएट करते हैं और हमारे हार्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। हम ये जो ट्रॉमास है, सबसे पहले ट्रॉमास को रिलीज करेंगे और फिर उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए। तो इन सबका एक पर्टिकुलर टेक्निक होता है, और हर टेक्निक की एक स्क्रिप्ट होती है कि ये स्क्रिप्ट हमको देनी है इस चीज के लिए, और ये स्क्रिप्ट देने से हमारी ये प्रॉब्लम चली जाएगी। तो हर चीज के लिए है, इवन एंटिटी इश्यूज, जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे तो बहुत वियर्ड फील होता है, ऐसा लगता है कोई है मेरे आसपास, ये वो, ये सब भी ट्रॉमा के कारण भी होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक और स्क्रिप्ट है जिसको हम ईगो स्टेट बोलते हैं। तो जब आपका ट्रॉमा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप अपनी हेल्प के लिए ये सारी एनर्जीज को बुलाते हैं कि भाई मैं अकेली हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे मेरे को हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तब ये सारी एनर्जीज आपके पास आने लगती है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? पहला सोल्यूशन ये है कि आप अपना ट्रॉमा रिलीज कीजिए, जिसकी पूरी टेक्निक आपको क्लास में बताई जाएगी, वो आप वहां से रिलीज कीजिए। दूसरी चीज ये है कि आपको ये बताया जाएगा कि ये जो ईगो स्टेट है, ये स्क्रिप्ट जो है, किस किस तरह से आपको ये एंटिटीज रिलीज करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, कई बार ये सब कुछ आपके बुलाने से आ सकते हैं तो आपके भगाने से जा भी सकते हैं, राइट? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये सारी चीजें वो तभी आती हैं जब आप उनको बुलाना चाहते हैं। तो ये तो एक एक अलग ही जो एडवांस लेवल का काम आप करेंगे इसमें। दूसरी बात ये है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा फैट बढ़ जाता है जिससे, या बहुत सारे लोग बहुत खाते हैं लेकिन बिल्कुल भी बॉडी को लगता ही नहीं है, या कुछ लोग बहुत कम खाते हैं और उनकी बॉडी में ना तो प्रोटीन्स होते हैं ना विटामिन्स होते हैं, ये सब कुछ आपके इमोशनल स्ट्रेस की वजह से है या इमोशनल ट्रॉमास की वजह से है। तो इवन ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स में आप किस तरह से अपने क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं, वो सारी टेक्निक आपको आपके इस एडवांस लेवल में आपको मिलेगी। और ये केवल टेक्निक या डिसऑर्डर्स नहीं है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि एक्चुअली हम ये डिसऑर्डर्स अपनी लाइफ में क्यों क्रिएट करते हैं, और ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ये आप क्यों लेते हैं और ये कैसे आपको हेल्प कर रहा है एक्चुअली, जब तक कि आप अवेयर नहीं है कि ये मेरा डिसऑर्डर है।
जब आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये जो मेरा बच्चा है, कई बार हमारे बच्चे बहुत खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो ये हमें पता ही नहीं होता कि डिसऑर्डर है। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि डिसऑर्डर चीज क्या होती है। तो ये सारा आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि कैसे आपको पता चलेगा ये पर्सन को ईटिंग डिसऑर्डर है। सो एडवांस लेवल केवल पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं है, ये एक्चुअली पूरी तरह से आपको एक पर्सन का थेरेपिस्ट बनाती है, जहां पे आप हर चीज अपनी काउंसलिंग से शुरू करेंगे। सबसे पहले उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, उसके फैमिली से क्या डिसफंक्शंस उसकी फैमिली में हो रहे हैं। बहुत सारी, दो तरह की फैमिलीज होती हैं, या तो फैमिलीज ओवर कंसर्न होती है, राइट, कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी फैमिली में क्या हो रहा है, या मेरे हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं, मेरी वाइफ क्या करे, हम लोग ओवर कंसर्न होते हैं, दिस इज ऑल्सो डिसफंक्शन। या हम बिल्कुल ही इंडिविजुअल बन जाते हैं कि ठीक है वो जो कर रहा है उसको करने दो, इसको करना है इसको करने दो। एंड उसके अलावा जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी फैमिली में डिसफंक्शन क्रिएट करते हैं। तो जब ये इस तरह के कोई केस आपके पास आते हैं, तो सबसे पहले आप कैसे पता करेंगे कि ये डिसफंक्शनल फैमिली से आया है मेरा क्लाइंट, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि ये डिसफंक्शनल फैमिली से आया है। तो सबसे पहले आप उसमें पूरा पढ़ेंगे, आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा क्लास में कि डिसफंक्शनल फैमिली से आने वाले बच्चे कैसे होते हैं, एडल्ट्स कैसे होते हैं, और वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये बहुत डीपर लेवल पे जाके आप सब कुछ सीखेंगे। मतलब जब आप बैठेंगे क्लाइंट के साथ, तो आपको पता होगा ये क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या है, ये क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, ये क्लाइंट का कौन सा ट्रीटमेंट मुझे करना है, क्या ये डिसफंक्शनल फैमिली से है, या इसका सिर्फ पास्ट लाइफ करने से काम चलेगा, या इसका एज रिग्रेशन मुझे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे, और कौन सी टेक्निक किस जगह हमें एप्लीकेबल है वो आपको पता चलेगा इन सारी चीजों में। सो देर इज वन मोर थिंग दैट कि ये देर आर फाइव स्टेजेस ऑफ लॉसेस इन लाइफ। लाइक जब घर में किसी की डेथ हो जाती है, या किसी का डिवोर्स हो जाता है, या किसी तरह का सेपरेशन हो जाता है दो लोगों के बीच, दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, वो किसी वजह से दोनों के बीच सेपरेशन हो गया, तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ ट्रॉमा। बट इस ट्रॉमा के भी कई सारे स्टेजेस होते हैं। सो ये जितने भी स्टेजेस होते हैं ट्रॉमा के, वो दैट इज देर आर फाइव स्टेजेस एक्चुअली। तो वो फाइव स्टेजेस पे हम, ये आपका क्लाइंट कौन से स्टेज पे है और उसकी हीलिंग आपको कैसे करनी है, ये सारी टेक्निक आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन एडवांस लेवल में मिलेगी, जिसमें आप किसी भी तरीके का जो ट्रॉमा लेके आए जो रिलेशनशिप से रिलेटेड है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस पूरे 2 महीने की जर्नी में हम मैरिज काउंसलिंग करना सीखेंगे। सीधे पीएलआर में नहीं जाना है, सीधे हिप्नोसिस में जाके स्क्रिप्ट नहीं देना है, पहले मैरिज काउंसलिंग कैसे की जाती है, जो कि मैं क्लास में भी बता रही थी आपको, कि आप जब पीएलआर में आते हैं, हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो टाइटल है, जब आप इस मॉडलिटी में आते हैं, आपको काउंसलर बनना ही होता है। जो बेसिक लेवल में हमने सिर्फ ठीक है पीएलआर करना सीखा, हमने सॉल्यूशंस करना सीखा, लेकिन अब हम ये काउंसलिंग पार्ट में जा रहे हैं जो एक्चुअली इसको पूरा पावर पैक कर देगा। आपको पूरी तरह से ये पता चलेगा कि भाई हाँ, अब सबसे पहले मुझे इसकी काउंसलिंग करनी है, फिर मुझे इसकी टेक्निक कौन सी इनको देनी है वो मुझे सीखना है, बताना है इसको, और उसके बाद उसका सोल्यूशन उसको देना है, और जो सोल्यूशन भी ऐसा होना चाहिए जो दोबारा उसके लिए वापस ना आए। मेरा क्लाइंट एक बार हमने थेरेपी की तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। हर तरह की काउंसलिंग करना सीखेंगे, सबसे पहले मैरिज काउंसलिंग करना सीखेंगे, फिर अगर आपका क्लाइंट डिसफंक्शनल फैमिली से है जहाँ पे उसको फैमिली सपोर्ट नहीं है, उसकी काउंसलिंग करके किस तरह से ये डिसाइड करना है कि इसको कौन सी थेरेपी देना है जिसमें वो कंफर्टेबल रहे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है, कैसे आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि जो एक्सपेक्टेशंस वो लेकर के आया है उसमें कितनी रियलिटी है, क्या आप उसको एक्चुअली दे सकते हैं, क्या ये कितनी पॉसिबिलिटी है। बिकॉज हमको कहीं ना कहीं बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है कि भाई ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे,
हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि किसी चीज का हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अपनी तरफ से उनको बताना होता है। जैसे मैरिज काउंसलिंग अगर आप करेंगे तो आप उनकी तरफ से आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको आपके पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना है, वो आपका क्लाइंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत ऑनेस्ट रहना है कि हमको नहीं बताना है कि भाई हम आपको क्या डिसीजन लेने हैं, हम आपको सोल्यूशन देंगे, डिसीजन आप करेंगे। ठीक है, लेकिन वहां तक का ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, पूरी ये टेक्निक क्या होती है, कैसे साइकोलॉजिकली आप उसको समझेंगे, कैसे आप अपने क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझेंगे, ये सब कुछ इसमें आएगा। सो नाउ देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न, जिसका एक थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। फिजिकल एंड इमोशनल सेक्सुअलिटी हम इसमें सीखेंगे कि लोग किस तरह के होते हैं और कैसे वो बिहेव करते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप काउंसलिंग, चाहे वो मैरिज की हो, बच्चों की हो, मदर फादर की हो, या दादी दादा के साथ उनके सास बहू की काउंसलिंग हो, ये किस तरह से हमको करनी होती है। और दूसरा, फैमिली सिस्टम अप्रोच क्या रखना है, क्या होना चाहिए। और जो अब्यूज्ड फैमिली होती है, जहाँ पे बच्चों को अब्यूज किया जाता है या उनकी मदर को अब्यूज किया जाता है, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से एक्चुअली बच्चे की खुद की लाइफ अफेक्टेड होती है, उसके लिए हमें क्या करना है। तो एक्चुअली ये पूरा जो पास्ट लाइफ है, एडवांस लेवल पे पास्ट लाइफ के साथ साथ ये आपका पूरा फैमिली सोल्यूशन भी लेकर के आएगा, जहाँ पे आप इसको और डीपली समझेंगे। और दूसरा, यहाँ पर इनर चाइल्ड वर्क भी होगा जो एज रिग्रेशन थेरेपी के साथ भी होगा। तो देर आर सम मोर टॉपिक्स विच आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर विथ यू, जहाँ पे हर चीज, हर टेक्निक, जो भी टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, पेन मैनेजमेंट है या काउंसलिंग है या जो भी पार्ट है पीएलआर का, उसकी हर चीज का आपको डेमो क्लास में होगा। जैसा कि हम अभी तक करते आए, बेसिक पे भी हमने बहुत सारे डेमोस किए, बहुत सारी लर्निंग्स की, बहुत सारी चीजें हमने सीखी वहां पे, और हमने ये भी सीखा कि हम कहाँ पे प्रॉब्लम हमें आती है। सो एंड सबसे इम्पोर्टेंट, डिप्रेशन, बिकॉज लाइफ में जब कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है, हम लोग इधर उधर भागते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ। पर ये डिप्रेशन आपने अपने स्पेस में कहाँ से क्रिएट किया, ये आपका डिप्रेशन है या आपको आपका डिप्रेशन कहीं और से आया, मतलब आपका एंसेस्ट्रल डिप्रेशन भी हो सकता है, या कोई कभी कभी डिप्रेशन थोड़े टाइम के लिए भी होता है। तो हाउ टू हैंडल दिस डिप्रेशन, तो ये एक्चुअली पूरा आपका मेंटल साइंस बन जाता है यहाँ पे, जहाँ पे आप पूरी तरह से काउंसलिंग करके जो भी डिप्रेशन पार्ट है उसका, कि ये डिप्रेशन को हमको कैसे सोल्यूशन देना है, कैसे उसका डिप्रेशन रिलीज करना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इसमें इंट्रोड्यूस करूंगी, जिसमें जो इमोशन, जैसे हमने पास्ट लाइफ में गए, हमें बहुत ज्यादा लगा कि पास्ट लाइफ में भी इसको बहुत ट्रॉमा था मेरे क्लाइंट को, और इस लाइफ टाइम में भी बहुत ट्रॉमा इसने फेस किया है, तो डेफिनेटली हमको उसको कुछ एक्स्ट्रा इमोशनल रिलीज कराना होगा, जिसको EFT बोलते हैं। तो एक छोटा सा पार्ट जो है इसमें EFT का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यूज करना, क्योंकि जब आप इतने डीपर लेवल पे काम करेंगे, उनके पेन, उनके सिस्टम और उनके पास्ट लाइफ से सारे इमोशन जब आप रिलीज करेंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा उनको देना होगा जो हम EFT के थ्रू दे सकते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो इसमें एक छोटा पार्ट में उसका भी इंट्रोड्यूस करूंगी, सो दैट यू कैन रिलीज योर क्लाइंट कंप्लीटली। और उसके अलावा बॉडी सिंड्रोम्स, उसके बारे में हम सीखेंगे कि ये बॉडी सिंड्रोम्स क्या होते हैं, उनका उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि क्या किस तरह का इसको सिंड्रोम है या किस तरह की इसकी एक्टिविटी बिहेवियर क्या है। इवन स्किज़ोफ्रेनिया की हम बात करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के जो एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे लाइव एग्जांपल जो हमारे सामने हुआ कि एक मेरी क्लाइंट थी जिसको स्किज़ोफ्रेनिया था, उनके जो फैमिली वाले थे उनको मिलने से मना कर दिया गया था कि भाई ये उसको एक्चुअली मेंटल हॉस्पिटल में ले गए थे। तो उन्होंने बोला कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है, आप अगर इसमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं तो एक्चुअली हमारे बहुत सारे ट्रॉमा हमारे पेरेंट्स के थ्रू आते हैं, तो जैसे ही आप फैमिली से मिलेंगे तो
वो ट्रॉमा और भी ज्यादा ट्रिगर हो जाएगा, फिर वो और भी ज्यादा स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएगा, और भी ज्यादा इल्यूजन में चला जाएगा। सो उसका हमने फिर एक अलग टेक्निक के साथ रिलीज किया था स्किज़ोफ्रेनिया, क्योंकि जब मिलने नहीं दिया तो उनके परिवार वालों को बहुत ज्यादा कुछ शक होने लगा कि भाई ये क्या है, ये हम लोग को मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने उन्हें समझाया कि एक्चुअली कई बारी फैमिली से बहुत ट्रॉमा जाता है, मदर ने मेरे लिए ये नहीं किया, फादर ने मेरे लिए ये नहीं किया, मुझे अकेला छोड़ दिया या मुझे हॉस्टल भेज दिया, तो ये सारे ट्रॉमास बच्चे लेकर के रहते हैं और वो स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वो मैंने उनको पूरा डिटेल दिया, तब उनको समझ में आया कि अच्छा, ये इसलिए हमें मिलने नहीं रही, अदरवाइज वो सोच रहे थे कि हॉस्पिटल वाले शायद उसको पीछे रखते नहीं है या क्या चीज हमसे छुपा रहे हैं। फिर उसका हमने एक अलग तरीके का सेशन किया जिसको प्रॉक्सी करके करते हैं, मतलब अगर किसी को एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम पास्ट लाइफ में नहीं ले जा सकते या हम उसका हिप्नोसिस नहीं कर सकते, तो उसकी एनर्जी कोई और लेके वो उसकी उसकी जगह पर कोई दूसरा इंसान पास्ट लाइफ में जाता है या हिप्नोसिस में जाता है या जो भी उसका टेक्निक हमको करना है वो करते हैं। ओके सर, सो द थिंग इज दैट कि जब कोई दूसरा करता है तो वहां पे हम सेफली कर लेते हैं, और वहां पे जब सेफली करते हैं तो हम वो उस प्रॉब्लम को भी रिलीज करते हैं, प्लस जो आपका क्लाइंट है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिक का हम कभी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन या हिप्नोसिस में नहीं ले जाते, क्योंकि उनका फिर माइंड जो है कहीं भी जा सकता है और एक्चुअली हम उसके रूट कॉज पे नहीं जा सकते, राइट। दूसरा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में किसी का क्वेश्चन है अभी, ब्रीफ अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ डूइंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन। सर, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, एक्चुअली हिप्नोसिस इज द बेस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जब आप हिप्नोसिस करना सीख जाते हैं, हिप्नो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था बेसिक में, हिप्नोटिज्म एंड हिप्नोसिस, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, दीज टू आर नॉट सेम। हिप्नोसिस इज अ प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस एंड हिप्नोसिस इज सर्टिफाइड एंड वर्ल्ड वाइड में एज अ ट्रीटमेंट, एज अ टेक्निक यूज होता है, लेकिन हिप्टोनिज्म वो होता है जहां पे आपके माइंड को कंट्रोल करके आपसे कुछ भी कराया जाता है, जो एक हमारा ईस्टर्न साइड का जो है टेक्निक है, जो एक्चुअली हम लोग नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग प्रैक्टिस है जिसको हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं मानते हैं और हम वो करते भी नहीं है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो आपका क्वेश्चन है, जब हम हिप्नोसिस में किसी को ले जाते हैं वो ट्रांस में जाता है, जहां पे आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो बंद हो जाता है और आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और आपका जो भी इश्यू होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो हम यहाँ सीख रहे हैं वो एक टेक्निक है, वो एक मॉडलिटी है, वो एक तरह का ट्रीटमेंट है, थेरेपी है। तो उसमें जब आपका कोई भी इशू होता है, हम उसी इशू के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और उसी इशू से रिलेटेड, जैसे आपके पास बहुत सारी फाइल्स होती है आपके कंप्यूटर पे, लेकिन आप वही फाइल एक्सेस करते हो जो आपको चाहिए होती है, तो सेम वे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, जो आपका इशू होता है उससे रिलेटेड पास्ट लाइफ में जाता है जहाँ पे इस इशू का रूट कॉज है, और फिर वो आप पूरी पास्ट लाइफ देखते हैं, वहां से आप लर्निंग लेके आते हैं, या अगर आपने कोई चॉइस बनाई है वहां पे कि भाई मुझे यही करना है और वो चॉइस आपको इस लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है, तो उस चॉइस को हम वहां चेंज कर देते हैं। जितने भी मेरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बेसिक स्टूडेंट हैं वो सारा ये टेक्निक जानते हैं और उन्होंने, हम लोगों ने बहुत किया भी है क्लास में। सो दिस इज द पास्ट लाइफ रिग्रेशन, दिस इज द नीड ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्चुअली, दैट इज व्हाई वी डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। सो आई होप सर, आई एम क्लियर अबाउट दैट। अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। मैंने एक क्वेश्चन आपको लिख के भेजा है उजाला जी। ओके, एंड अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज अपना जो, हाँ हैंड रेज प्लीज कर आप दीजिए। जब करें येलो वाला, तो वन बाय वन वील टेक योर क्वेश्चंस। ओके, आप जेविन जी का प्लीज बता दे पहले, देन विल टेक अच्छा सर, करण। प्लीज मैंने आपको आप पर्सनली खुद ही भेजा बोल है, दीजिए सर। पर्सनली भेजा, आप देख लीजिए। सर आई एम नॉट,
आप ऐसे बता देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चलिए आपका चलिए, मैं बोल क्वेश्चन देता है। हूँ, मैं बोल देता हूँ। जी सर, मैंने बोल राजीव जी के सकते लिए लिखा है, राजीव जी को जो पेन हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए। प्रैक्टिकल हो जाएगा ना सबके लिए भी। हैं। नहीं सर, उसके लिए फिर हमको बहुत टाइम चाहिए, कम से कम हम उसके लिए 1.5-2 घंटा चाहिए होगा, क्योंकि पहले मुझे सर को हिप्नोसिस में ले जाना होगा। हिप्नोसिस में ले जाके फिर सर उसके रूट कॉज को देखेंगे, रूट कॉज में क्या आया, एज पर दैट हमको वो पेन रिलीज करना पड़ेगा, प्लस उसके सोल्यूशन देने पड़ेंगे। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ 1.5 आवर्स और 2 आवर्स, इट जी डिपेंड्स। राइट, ठीक है, कोर्स के बाद तो कर देना उनका काम। तो बिल्कुल सर, आज आज डेफिनेटली आज ये प्रोग्राम होने के बाद डेफिनेटली तो कर देना आज उनका काम, कम से कम बिल्कुल सर, बिल्कुल रात को सर, आराम बिल्कुल से सुला देना उनको। बिल्कुल ठीक सर। थैंक यू है, किरण थैंक यू। जी। फरिया जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, द थिंग इज, मैं हिप्नोसिस करती हूँ, मैं हिप्नोसिस सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर। हाँ जी थिंग इज कि आई वॉन्ट टू नो कि रिग्रेशन इसमें, तो मैंने अब तक रिग्रेशन किया नहीं है। आई एम अ बिट, क्या कहते हैं, नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट। तो जब आप ओके हिप्नोसिस चाहते हो एंड जब पेशेंट बिल्कुल ही, अभी जो क्लाइंट आपका बिल्कुल ही उसके अंदर रहता है, दैट टाइम यू फाइंड आउट, वो पार्ट मेरे से मिस हो गया था उस सी व्हाट वक्त। हैपेंस, हम जो इश्यू है वो पहले ही स्टैब्लिश कर लेते हैं कि भाई वो तो किस पहले जो इश्यू। इंटरव्यू करते हैं उसमें स्टैब्लिश हो जाएगा ना। जी सी, जो हम अभी एडवांस लेवल पे जा रहे हैं ना, वहां पे बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताने वाली हूँ, जहां पे आपको खुद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि इसका इश्यू क्या है, कैसा, आपके बस आपको टेक्निक फॉलो करनी होगी, आपको इश्यू पता चलेगा। ठीक है, जब वो इश्यू आपको पता लग जाता है, तब आप अपने क्लाइंट को पास्ट लाइफ में ले जा सकते हैं। पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जब आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा है तो आपने वो प्रैक्टिस क्यों नहीं किया? क्या कोई फियर है उसको लेके, या क्या क्या रीजन है उसका? हेलो, आर यू देयर? फरिया जी आप हैं इधर? कैन यू लिसन? आई थिंक वो ड्रॉप डाउन हुए हैं, क्या है? हाँ मैं भी, क्यों जब उनका तक हुआ। आप राखी जी का क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ राखी जी, राखी आप जी बताइए। प्लीज। राखी जी, आर यू देयर? यस राखी जी, मैम, यस मैम, यस मैम। यस यस, हाँ बताइए। मैम एक तो ना, आपने जो हमारे कोर्स कंटेंट्स हमें दिए हुए हैं उसमें आपने रिवीजन ऑफ द बेसिक कोर्स लिखा है, तो हाँ मैम वो हमारा ये पूछता कि वो मतलब रिवीजन हमारे कितने टाइम चलेगी, जैसे कि मतलब जैसे हमारा बेसिकली जो बेसिक रिवीजन कोर्स है। एक क्लास में होगा, वो भी रिवीजन भी मैं इसलिए आपका करना जरूरी है, उसके 2 रीजन से। पहला रीजन ये है कि कुछ नए लोग जुड़ने वाले हैं जो वीडियो देख करके आएंगे, तो उनके लिए एक थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाएगा कि भाई क्या क्या किया, और आपके लिए भी, बिकॉज तो बहुत सारी चीजें हमने पहले छोड़ दी हैं और हम सिर्फ PLR कर रहे थे, राइट। और दूसरा रीजन ये है कि जब हम पहला बेसिक का थोड़ा रिवीजन करेंगे, तो हम ये जो एडवांस कर रहे हैं ना, उसको कहाँ कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम, जैसे अभी आपको पता है कि हमको प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही थी, कि ये डिसाइड करने में कि हिप्नोसिस किसके लिए करना है, पास्ट लाइफ किसके लिए करना है, ये इनर चाइल्ड का इशू क्या है, ये क्या, अब ये सारी चीजों को। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है काउंसलिंग पार्ट, जो हमने PLR में नहीं किया, जो एक एक सिस्टम जो है PLR का, वो यही है कि सबसे पहले आप हिप्नोसिस करना सीखते हैं, पास्ट लाइफ करना सीखते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे काउंसलिंग सिखाया जाता है और आपको दूसरी टेक्निक्स दी जाती है, क्योंकि अब आप ऑलरेडी इस एनर्जी में सेट हो चुके हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा रिकैप करना बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन रिफ्रेश एवरीथिंग जो आपने सीखा था, और जो हम एक्चुअली अभी नहीं कर रहे हैं, अभी उस पर ध्यान ही नहीं है हमारा, राइट। जो हमने शुरू में जो टेक्निकल चीजें की, माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, कैसे हम अपनी हैबिट्स डेवलप करते हैं, अब इसमें हैबिट्स के ऊपर भी आपको बताया जाएगा कि किसी को कोई अगर अपनी हैबिट्स हटानी है कि भाई मुझे ये हैबिट नहीं चाहिए, ये मेरी हैबिट मुझे परेशान कर रही है या मेरी ग्रोथ में हैंड्रेंस बन रही है, तो वो कैसे करना है, ठीक है, ये भी इसमें आप सीखेंगे। तो थोड़ा सा रीकैप जरूरी है, और इट जस्ट वन क्लास, एक ही क्लास में आपका हो जाएगा, दैट्स इट। ओके मैम, मैम जो ऐसे आपने पेन मैनेजमेंट का बताया है, तो जो हमारी डिजीजेस होती हैं लाइक बीपी, शुगर, थायराइड, तो मैम पेन मैनेजमेंट में खाली पेन ही जाएगा या ऐसे डिजीजेस को भी हम क्योर कर देखिए, पाएंगे पेन जो बिल्कुल मैनेजमेंट में आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि पेन मैनेजमेंट में, जैसे हम जब
हमने जब शुरुआत की थी इसकी पास्ट लाइफ की, तो मैंने आपको ये बताया था कौन किसका पास्ट लाइफ हम कर सकते हैं और किसका पास्ट लाइफ हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऐसे ही पेन में भी बहुत सारे पेन होते हैं जिनका ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ में, लेकिन कौन कौन से पेन्स हैं जिनको हम इसमें ट्रीट कर सकते हैं, तो वो पूरा डिटेल आपको मिलेगा। जैसे अब आप ये समझ लीजिए, अब आप डॉक्टर बनने वाले हैं, यू आर नो मोर जस्ट यू नो पास्ट लाइफ रिग्रेसिस्ट, अभी वो आपका लेवल चला जाएगा, अब आप प्रॉपर थेरेपिस्ट बन जाएंगे, जैसे कि एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं, उस जोन में आप आ जाएंगे। तो मैम इसमें डिजीजेस भी क्योर कर पाएंगे हम, जो डिजीजेस होते हैं, पेन एक अलग चीज हो गई, पेन तो पेन हो गया, लेकिन डिजीजेस तो हम ऑलरेडी कर ही रहे थे। अगर आपने ध्यान दिया, हमने देखिए वो शर्मला जी का पेन रिलीज किया था, राइट मैम, वो तो किया था। सेम वे डिजीजेस भी कहीं ना कहीं से तो आती है, और यही चीज को हम और डीपर लेके जाएंगे। जो आपने अभी डिजीज वाली बात बोली ना, तो ऐसे ही हम डिजीजेस के ऊपर भी काम करेंगे, स्पेशली डायबिटीज के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। और हम उसको देखेंगे कि उसमें क्या सी हर चीज जो आप सोच सकते हो कि क्या इसका क्योर पॉसिबल है हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, यस इट इज पॉसिबल। और मैम इसमें हम सैरोगेसी भी करेंगे, सैरोगेसी कर सकते हैं, बट सैरोगेसी के लिए कुछ जो कंडीशंस हैं वो हमें क्लियर करनी पड़ेंगी, जो मैं आप में से चूज कर लूंगी जब हम सैरोगेसी पे आएंगे, तब मैं आप में से किसी एक को चूज करूंगी जो एक्चुअली बहुत इंट्यूटिव होगा, जो सैरोगेसी के लिए परफेक्ट होगा, फिर हम वो सैरोगेसी वाला भी करेंगे। इट इज फन, मतलब सैरोगेसी का भी मैं आपको बताऊं, शायद मैंने बेसिक में भी आपको ये एग्जांपल दिया था कि मैंने बच्चों का किया था ट्विंस का, तो वो बच्चे दूसरे ही दिन जो है आईसीयू से बाहर आ गए थे। यस मैम आपने बताया था ना, ऐसे ही एक अंकल थे जिनका हमने किया था जो कोमा में थे, उनका भी सैरोगेसी से किया था और वो हील हो गए थे एंड वो कोमा से बाहर आ गए थे, क्योंकि उनका जो ट्रॉमा था अपनी वाइफ को लेके वो इतना ज्यादा गहरा था कि उनकी बॉडी पूरी, उनके जो ऑरा थी पूरी डिप्लीट हो गए थे, उनके चक्रास डिप्लीट हो गए थे, तो वो ही वॉज टोटली आउट ऑफ हिज बॉडी। तो जब हमने उनका वो ट्रॉमा निकाला, तो 2-3 दिन में, मतलब एक छोटा मोटा हम 2-3 दिन थोड़ा हल्का फुल्का हीलिंग भी उनको भेजते रहे, फिर वो अपने आप ही कोमा से बाहर आ गए थे। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आपके पास कोई बहुत ही इंट्यूटिव और ऑनेस्ट पर्सन हो, ऑनेस्ट इन द सेंस कि उसको ये पता हो कि दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर अदर पर्सन, तो जो ऑनेस्टली बता सके कि वो उसमें जा रहा है उसकी पास्ट लाइफ में और नहीं जा रहा है। मेरे पास टीम है जो काम करती है, लेकिन यहाँ पे हम में से हम किसी एक को चुनेंगे और हम उसके थ्रू करेंगे वो, ठीक है। और मैम जो ऐसे आपने हमें लास्ट टाइम कोर्स में बोला था कि फ्यूचर राखी जी प्लीज, सब लोग क्यू में है, एक एक क्वेश्चन, आप तो एकेडमी का रूल भी जानते हैं, राखी जी हम फिर एक जो भी क्वेश्चन है बाद में ले लेते हैं, अभी ना पहले एक एक सबको ले देते हैं मौका, फिर आपको दोबारा देते हैं। आप लोग जो भी देना चाहते हैं एक चैट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए। एक रूल और है कि जो क्वेश्चन पूछना चाहता है वो अपना वीडियो ऑन रखे, ताकि हमें पता तो चले, इट इज इंटरेस्टिंग टू इंटरैक्ट फेस टू फेस, पता तो चलना चाहिए ना आंसर किसको कर रहे हैं। मेघना कपूर जी, मेघना जी प्लीज बोलिए। हाय मैम, अब आई हैव ओनली हर्ड अबाउट past life regression, I've never done it, I'm not into hypnotism or anything, I'm into different occult science, you know, so of course curiosity ne mujhe ye aaj you know session aapka you know join karwaya, but like main bol rahi hu mera koi knowledge nahi hai, aur you know this sounds advanced, so a person like me jiski zero knowledge hai isme, you know koi course kar payega? See, past life regression is a very very technical, very very systematic thing, यू नो, जिसमें आपको अपना दिमाग सिर्फ तब यूज करना है जब आपको इश्यू फाइनलाइज करना है कि भाई ये पर्सन का ये इशू है जो मुझे पास्ट लाइफ में रिजॉल्व करना है, दैट्स इट। उसके बाद सारा काम आपके क्लाइंट का है, आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आपको हिप्नोसिस की स्क्रिप्ट पढ़नी है, उसको पास्ट लाइफ में ले जाना है, वहां पे उसी वही आपको एक्चुअली सोल्यूशन बताता है, बिकॉज इट इज हिज और हर जर्नी, वो आपकी जर्नी नहीं है, करेक्ट, राइट। सो this person will tell you what is his or her journey and what could be the solution, what is the learning lesson,
of this person from this lifetime, which he is not learnt at that time, okay? Okay. And how it can be applicable in this lifetime, which is going to be bang on, bang on. Okay. इसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है. Actually, मेरे हिसाब से मे बी क्या आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने ये दो तीन जगह से किया हुआ है कोर्सेज. मैंने डॉक्टर ब्रायन वेसिस के थ्रू भी किया हुआ है, मैंने और भी लोगों से किया हुआ है, इवन यहाँ से सर्टिफाइड कोर्सेज भी किया है, मैंने यूएस से भी किया है. सो फॉर मी इट इज इजी, ये भी आप बोल सकते हो. बट एक्चुअली इट इज अ वेरी इजी मॉडलिटी. अगर आप उसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो यू विल फील लाइक अरे यार सबको पास लाइफ में डालो, सबका करो, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं. इट इज देयर पास लाइफ, इट इज देयर लर्निंग, इट इज देयर चॉइस. सो मुझे क्या करना है, मुझे सेलेक्शन करा के वापस लाना है, राइट? सो बेसिकली सो अ पर्सन हु हैज नो नॉलेज कैन डू दिस कोर्स इजीली. यस, इसके लिए नॉलेज एक्चुअली आपको इसमें खुद ही मिल जाती है. पहले से आपको कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि मुझे मेडिटेशन करना है 15 दिन, उसके बाद में आ सकती हूँ. एक्चुअली देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड इन दिस. ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. You understand the technique of this modality, and then you are through. And ma'am, ये 2 महीने का course है. What are the number of classes? Number of classes. Sir, थोड़ा slide लगा देंगे please. हाँ हाँ. Sorry, I forgot to show you the this thing. No problem, ma'am. मैंने वो PPTs बनाए थे, so I was so much into this telling what we are going to do in this this thing. तो उजाला जी आप बता दीजिए क्या आप कोर्स में हैं, एंड देन आई विल अपडेट अबाउट द मॉड्यूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव वन रिक्वेस्ट टू ऑल मेंबर्स हु आर विलिंग टू जॉइन. जिनको जॉइन करना है एडवांस और उन्होंने बेसिक नहीं किया है, तो आई हैव अ रिक्वेस्ट कि स्टिल वी हैव टाइम, तो आप कर सकते हैं. आप बेसिक का वीडियो खरीद लीजिए प्लीज, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ मैंने माइंड के बारे में बताया है. वो माइंड के बारे में अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा. इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम देयर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मैं आपको उस चीज़ का यू नो पूरा नॉलेज दे दूंगी. एनी वे वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट रिविजन ऑफ बेसिक कोर्स और गाइडलाइंस जो है हिप्नोड्रामा क्या होता है. एक्चुअली वी हैव डन हिप्नोड्रामा इन फर्स्ट लेवल ऑल्सो, बट अब जो है ये हिप्नोड्रामा हम और डीपली समझेंगे. कहाँ पे कौन सा हिप्नोड्रामा हमें करना चाहिए, किस तरह से हिप्नोड्रामा जो है ये हमको हेल्प करता है. बेसिकली जो लोग नहीं जानते हिप्नोड्रामा क्या होता है उनको मैं बता दूँ. जो प्रॉब्लम्स में रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए कि आई हैव नेवर सीन गुड मैरिड लाइफ, आई हैव नॉट सीन मनी, सो हम हिप्नोड्रामा में वो सब कुछ क्रिएट करते हैं सो दैट आपका माइंड वो चीज ग्रैब करे कि हाँ ये चीज भी होती है, एंड इट विल बी लाइक अ इजी थिंग फॉर यू. तो माइंड कहे कि हाँ ये चीज तो होती है, क्योंकि व्हाट योर माइंड डज नॉट नो वो उसके लिए डिफिकल्ट काम होता है. तो माइंड कहता है दिस इज अननोन पार्ट ऑफ दिस थिंग, मुझे नहीं करना है, यू नो. तो उसको फियर रहता है, पर जब आप उसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, अपने माइंड में डाल देते हैं, तो वो चीज आपके लिए बड़ी ऑब्वियस हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि हाँ ये तो बहुत इजी है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो वो आपका जो माइंड होता है वो उसको क्रिएट करना शुरू करता है, सो दैट यू कैन सी इट इन योर रियल लाइफ. आपकी रियल लाइफ में वो सब होने लगता है, तो दैट इज हिप्नोड्रामा. तो जो चीज नहीं है उसको हम आपको जब, लेकिन ये जब हम हिप्नोसिस में करते हैं देन इट इज ट्रू टू योर माइंड. ये माइंड को लगता है यही सच है. तो जो चीज नहीं है आपके पास उसको हम हिप्नोड्रामा से क्रिएट करते हैं. आई होप आई एम वेरी क्लियर, राइट? दूसरा एज रिग्रेशन थेरेपी होता है. जैसे हर एक दो तरह का एज रिग्रेशन थेरेपी होता है. एक होता है इशू के साथ जाना एज रिग्रेशन में कि ये इशू है मेरा, तो कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी एज से शुरू हुआ, तो हम पूरे एजेस में जा करके देख लेते. एक होता है कि हम जितने भी मेरे आज तक की एज है उसमें मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, वो सारी प्रॉब्लम्स हम रिलीज कर सकते हैं. दैट कुड बी लाइक 3 or 4 सेशन, ओके? वो उसका होता है. एक अभी मैंने पेन मैनेजमेंट आपको बताया कि पेन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी टेक्निक हम समझेंगे और किस किस पेन को हम हिप्नोसिस में मैनेज कर सकते हैं. क्योंकि कुछ पेन्स जो होते हैं वो हिप्नोसिस में हम मैनेज नहीं करते, क्योंकि उसका रिवर्स इफेक्ट बॉडी पे हो जाता है. क्योंकि ये एक साइंस है, इसीलिए जो करना है वो भी आपको बताया जाएगा, जो नहीं करना है वो भी आपको बताया जाएगा. तो जो करना है सिर्फ वही करना है और वही आपको रिजल्ट देगा. जो नहीं करना है उसके अपने रीजंस होते हैं
और बॉडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड उसके अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए उन चीजों को इसमें नहीं डाला है, या वो आपकी बॉडी पे रिवर्स इफेक्ट ना डालें इसलिए उनको अलग रखा गया है। सो हिप्नोटिक मॉडलिटीज होती हैं जो आप बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, मतलब हर प्रॉब्लम की एक चाबी, इस प्रॉब्लम की ये चाबी, जैसे मैंने अभी पेन मैनेजमेंट बोला उसकी एक अलग चाबी, मतलब उसकी एक अलग हिप्नोटिक मॉडलिटी होगी। अगर आपका कोई एंजाइटी स्ट्रेस का इशू है उसका एक अलग स्क्रिप्ट होगी, उसकी अलग मॉडलिटी होगी। तो हर चीज के लिए अलग 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 क्योर है, अलग अलग मॉडलिटीज हैं जो आपको बताया जाएगा। और बॉडी सिंड्रोम का करेक्टिव थेरेपीज, मतलब क्या थेरेपी आपको यूज करनी है वो हम करेंगे। जैसे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पार्सालोजिस्ट हैं, मतलब अभी इस समय जिन्होंने हमारे फोरम पे किया है, पास्ट लाइफ किया है, बहुत सक्सेसफुली किया है, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये आई कि कई बार उनको समझ नहीं आया कि कौन सी चीज़ कहाँ करनी है। उसके लिए हमने मैंने पेरिस विंडो इंट्रोड्यूस किया है इसमें, विच इज़ अ वेरी ओल्ड टेक्निक बट वेरी इफेक्टिव और यू मस्ट नो दैट। ओके, तो ये पेरिस विंडो उनको हेल्प करेगी, क्योंकि आप पास्ट लाइफ तो कर लेते हैं, आपको आ जाता है और सब कुछ कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमने पास्ट लाइफ किए हैं अपने बेसिक कोर्स में और हमारे फोरम पे किए हैं, लेकिन कई बार हम यहाँ अटक गए, तो ये पेरिस विंडो आपको वहां से निकालेगा। दूसरा, फाइव स्टेजेस ऑफ लॉस, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जिसकी लाइफ में बहुत कुछ हो गया है, कोई उसे छोड़ के चला गया है, तो वो कौन से स्टेज पे है और उस स्टेज की हीलिंग क्या होगी, तो ये फाइव स्टेजेस आपको, फाइव स्टेजेस ऑफ लॉस कहा जाता है उनको, और वो पूरे फाइव स्टेजेस आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे और उनको किस तरह से हैंडल करना है वो बताया जाएगा। एंड उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द डिप्रेशन, डिप्रेशन के कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों ये क्रिएट कर रहा है, क्यों इस टाइम पर है, या ये हमेशा उसके पास था डिप्रेशन जो उसके स्पेस में था जिसको वो अब एक्नॉलेज कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम कैसे हैंडल करेंगे और कैसे उसकी काउंसलिंग करेंगे वो सब कुछ इसमें आएगा। इमोशनल मैनेजमेंट टेक्निक भी है कि इमोशंस को हमको कैसे मैनेज करना है, तो बहुत सारी चीज़ें जब आप काउंसलिंग में आ जाते हैं तो बात करके भी आप रिलीज कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको पास्ट लाइफ में, हर चीज़ के लिए आपको हिप्नोसिस में अपने क्लाइंट को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप बहुत अच्छे काउंसलर हैं तो आपकी उसकी 50% से भी ज़्यादा प्रॉब्लम तो आप बात करके भी रिलीज कर सकते हैं, तो वो एक आर्ट आप सीखेंगे इसमें, काउंसलिंग आर्ट क्या होती है। दूसरा, हाउ टू आइडेंटिफाई इशू, क्योंकि आपके पास तो आपका क्लाइंट घड़े भर के इशू लेके आएगा, मेरा ये भी प्रॉब्लम है, मेरा वो भी प्रॉब्लम है, मेरा ये भी प्रॉब्लम है, मेरा वो, आपको बहुत कुछ बताएंगे। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं कि जिनके पास बहुत सारे इशूज होते हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें से कौन सा इशू आपको लेना है और उस इशू के ऊपर आपको काम करना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इशूज एक इशू से रिलेटेड, जैसे एक एक बीच में से कहते हैं ना कि पकड़ लिया धागा, अब ये जो दो चार सिरे निकल रहे हैं ये सब इसी से हट जाएंगे, सारा कुछ निकल जाएगा, तो आपको वो मेन इशू आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हम इसमें सीखेंगे। दूसरा, अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन, जो अभी मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है, बट व्हाट यू कैन एश्योर टू द क्लाइंट, आपकी आप अपनी ऑनेस्टी के साथ उसको क्या बता सकते हैं कि जो हम करने वाले हैं उससे आपको क्या रिलीफ मिलेगा। सो एक्सपेक्टेशन उसकी ऐसी ना हो जो रियल ना हो, सो आप उसको रियल एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं, तो ये भी एक काउंसलिंग का पार्ट है कि आप उसको पहले ही बताएंगे कि ये मैं करने वाली हूँ, इससे आपको ये फायदा होगा एंड रेस्ट वी विल सी, राइट। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि कौन आता है, कौन क्या आपसे बात करता है और क्या एश्योरेंस आपको उसको देने और उसकी एक्सपेक्टेशन के साथ आपको कैसे ये बताना है कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, इससे आपको ये फायदा होगा, राइट। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है थेरेपिस्ट बनने के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज क्लाइंट देखे आप में, आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, आप उसको कैसे समझाएंगे, ये भी एक तरह का आंख है। अगर आप इसमें सक्सेसफुल है तो आप पूरी मॉडलिटी में कुछ भी करेंगे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, 100%, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा कि जिसमें मैंने पास लाइफ किया और रिजल्ट ना मिले हो, हिप्नोसिस में एक स्क्रिप्ट दी और रिजल्ट ना मिले, ऐसा कभी होता ही नहीं है, बिकॉज इट्स ए साइंटिफिक थेरेपी, इट्स नॉट जस्ट अ थेरेपी। यस,
I am going to introduce a lot of a spiritual side of past life regression, a lot of spiritual side of hypnosis and other things. वो हमारा बीच में चलेगा, बहुत सारी चीजें मैं spiritually भी समझाने वाली हूँ इसमें कि what is the importance of doing all this. Okay, so adults of a dysfunctional family. So ये एक बहुत बड़ा topic आने वाला है because हमारे most of the problem हमारी family से ही आते हैं. तो वो हमको कैसे कि एक तो डिसफंक्शनल फैमिली, वो किस तरह की डिसफंक्शनल फैमिली है, किस तरह का वो ट्रॉमा लेके आया है या किस तरह के कंसर्न वो लेके आया है, तो हम वो इसमें हम उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम उसकी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको क्लास में थ्योरी के साथ बताऊंगी. क्यों, इसमें जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं कोर्स में उसमें थ्योरी है, फिर उसका प्रैक्टिकल है, फिर थ्योरी है, फिर इसका प्रैक्टिकल है. तो बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल इसमें आने वाले, क्योंकि अब ये अंडरस्टैंडिंग का टाइम आ गया. प्रैक्टिकली हमने बहुत कुछ कर लिया, अब हम यहाँ पे थ्योरीज भी समझेंगे, 50% हमारा प्रैक्टिकल होने वाला है. सो क्लास इज गोइंग टू बी मंडे एंड वेनसडे 5:30. इट्स अ 2 months कोर्स, जूम सेशन एज एवरीबडी नोज, इट्स ऑनलाइन सेशन. सो इसमें प्रैक्टिकल्स भी होंगे, डाउट क्लियरिंग्स भी होंगी. This is all affordable. Recordings आपको मिलेंगी, digital certificates आपको मिलेंगे, study notes मिलेंगे. Anyway, study notes आपके अभी से prepare हो रहे, because this part of PLR you cannot do without having content. You really need content. तो वो आपको impact एक class शुरू होने से पहले ही आपके पास होंगे, क्योंकि उसके बिना आप ये course कर ही नहीं सकते. ठीक है उजाला जी. I'll continue. Yes, please. Okay, fine. So, आप जो existing participants हैं, उनके लिए ये जो journey है, ये आपकी होती है 1579 per month है, 2 महीने की journey है, तो that comes to 3158. लेकिन जो existing participants हैं, उनके लिए एक opportunity है of 15% off, that is 473 आपका कम हो जाएगा amount. So for 2 months, you only have to pay 2685 rupees. Okay, for existing participants जो हमारी academy में already enrolled हैं. Now for new participants जो हमारे यहाँ पर हैं, उनके लिए ये 2107 per month की journey है. आप इसको as a registration समझ सकते हैं. For 2 months that would be 4214. Okay, and अगर आप दोनों महीने की एक साथ pay करते हैं, actually it is 15% ऑफ भी आपको तब मिलेगा जब आप दोनों महीने की एक साथ पे कर रहे हैं. और यहाँ पर भी आपको अगर आप एक साथ पे करते हैं जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपको डायरेक्ट 3158 में पड़ेगा जो पूरा कंप्लीट 2 महीने की जर्नी है. जो 4214 है उसका आपको 3158 ही पे करना है. सामने आपको नंबर्स हैं वहां पर, और पूनम गोयल एंड रिदम गोयल के नाम के जो नंबर्स हैं, आप उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. अपने बैंक की डिटेल्स दी हुई है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सेकेंडली, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द न्यू पार्टिसिपेंट्स, जो भी हैं, आप चैट पे अपना नाम और नंबर दे दें ताकि हम भी आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें. कुछ भी है तो आप हमसे रिलेट कर सकते हैं, हम भी आपसे रिलेट कर पाएंगे. सो इट वुड बी ईजी फॉर बोथ ऑफ अस, और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. आई जस्ट रिपीट द नंबर्स, 9013330009. और उसके बाद जो हमारे स्क्रीनशॉट्स हैं, जो भी आप पेमेंट कर देंगे, तो आप पेमेंट के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो इन दोनों नंबर्स पर भेजिएगा प्लीज, 7982552301 और 9999119519. और आप लोगों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, हमने चैट में एक लिंक भेजा है, काइंडली ज्वाइन दैट लिंक. जो भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लिंक ज्वाइन जरूर कीजिए. जस्ट ओपन द चैट बॉक्स और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए. हमारा एक आप सबके लिए एक और बोनेंजा, फेस्टिवल बोनेंजा आप सोच सकते हैं, इसको ऑफर समझ सकते हैं कि गेट 15% डिस्काउंट कूपन ऑन द वैल्यू पेड बाय रेफरी. Get 25% discount coupon on new enrollment in the academy. I just हाँ सर, वो कुछ वहां पर
spelling mujhe lag reference if you give a reference reference okay sorry referee is giving reference to the other person like reference you are bringing someone along with you so then there is 15% discount given will be given to the person equivalent to the value paid by the referee and the 25% discount coupon on the new arrival which is already spent by you. 15% discount coupon on the multiple months which is already spent by you. And if you make a payment of 7,000 plus in one number month, which means अगर जो लोग नए first time join कर रहे हैं उनके लिए ये opportunity ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि because if they go for PLR basic also which is 3 months plus and do this enrollment also this becomes 5 months so there is already crossing 7,000 1,000 discount credit coupon will be given to them. The existing participants already aware of it, and this scheme was for last three months, May, June, July. But because of some request of the festival month, the scheme is continuing. And any product being purchased from the canteen, that's been 15% discount on that additional discount. And the important part is that those who did the enrollment and the repeat is absolutely free from them. For example, somebody did advanced PLR. The advanced PLR when repeated, it is absolutely free for them. The existing participant of ours is already known and they are doing a lot of such courses in reputation. And like for example, somebody joined, took a videos for the basic PLR, which is a 3 month course. So whenever it happens again, then their enrollment into the basic PLR will be free. It's a advantage by the academy to all of us, the participants. We have to ओके थैंक यू सर फॉर अपडेटिंग आप लोग सब प्लीज चैट विंडो पे जाके वो लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग नए पार्टिसिपेंट्स हैं सेकेंडली आई वुड रिक्वेस्ट उजाला जी टू एड्रेस चैट में जो भी क्वेश्चंस हैं हम पहले उनको एड्रेस कर देते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए आई रीड आउट द क्वेश्चंस एंड द पार्टिसिपेंट्स नेम सचिन जी ने पूछा है कैन वी ऑल्सो लर्न हाउ डू सेल्फ PLR इन एडवांस उजाला जी सेल्फ PLR एक्चुअली अंटिल यू आर वेरी इंट्यूटिव एंड यू आर नाउ विद ब्रेथ वर्क बिकॉज देर आर सम पीपल इन इंडिया हु डज दैट लाइक वो आपको आपके PLR में खुद ही ले जाते हैं अगर आपको चाहिए तो ये एक्सपीरियंस मैं आपको क्लास में करवा सकती हूँ है ना लेकिन उसमें यही है कि आप कितने इंट्यूटिव है और आपका माइंड आपको कहाँ ले जाता है इट डिपेंड्स वो टाइम के ऊपर कुछ लोग ग्रुप PLR करते हैं उसमें भी वही होता है लेकिन आप बहुत इंट्यूटिव हैं तो डेफिनेटली आप अपना पास लाइफ खुद देख सकते हैं इसमें कोई शक नहीं है ना तो ये कर सकते हैं दूसरा इन्होंने नवीन चंद्रा जी ने लिखा है कि मैम मैं रेकी हीलिंग फाउंडेशन से PLR टीचिंग लेवल किया है पर 10 मिनट्स ट्राई किया पर आज तक पास्ट लाइफ में नहीं जा पाया हूँ इसलिए मैं होपलेस हो गया हूँ नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट हैं जैसे अर्चना जी हैं और ये सुभाष जी हैं और शर्मिला जी हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ किए हैं और जो पास्ट लाइफ में गए हैं मतलब दे आर स्टूडेंट दे आर जस्ट लर्निंग बट बहुत अच्छे पास लाइफ हुए हैं लोग पास लाइफ में गए भी हैं पास लाइफ किया भी है तो यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई पास लाइफ में ना जा पाया हो या पास लाइफ ना कर पाया हो सब ने किए भी हैं सब गए भी हैं तो हो सकता है कुछ और रीजंस होंगे वो भी कई रीजंस भी होते हैं कई बारी आप पास लाइफ में नहीं जा सकते तो वो सारी चीजें आप बेसिक अगर आप वीडियो लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आप पास लाइफ में नहीं जा पाते तो वो भी मैंने उसमें क्लियर किया है तो अगर आप वीडियो खरीदेंगे बेसिक का देखेंगे और फिर आप एडवांस में आते हैं तो ये सारी चीजें आप क्लियर करके आएंगे कि ऐसी क्या बातें होती हैं जिसकी वजह से हम पास लाइफ नहीं देख पाते तो ये कुछ रीजंस हैं उसके तो पॉसिबल है बट हम लोगों ने किए हैं सक्सेसफुली दैट इज देयर क्वेश्चन है उजाला जी जिसमें उन्होंने पूछा है कि मैंने पहले बेसिक PLR नहीं किया है तो भी क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ देखिए बेसिक में आप ज्वाइन कर लेंगे लेकिन कनेक्टिविटी अगर आप बेसिक का ले अगर आप वीडियो खरीद लेते हैं और आप उसकी 3-4 क्लासेस भी अगर देख के आते हैं
तो आप बहुत अच्छे से ये पास्ट लाइफ समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत हायर लेवल पे जाने वाला एडवांस क्लास है, जहाँ पे आप पूरी तरह से काउंसलर बनेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको जो वीडियो है बेसिक का, वो अगर आप देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आप कोशिश कीजिए। इन शॉर्ट बेसिक्स की कुछ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है टू मूव टू द एडवांस लेवल। अगर आप बेसिक टू अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहेंगे एडवांस को, तो मुश्किल होगी, फिर दिक्कत आएगी। बिकॉज स्टिल वी हैव टाइम। यस वी हैव टाइम, तो आप करीब है हमारे पास 10 दिन है इसमें, तो आप बेसिक्स की कुछ अंडरस्टैंडिंग जरूर लें बिफोर स्टार्टिंग दी एडवांस। और जिन्होंने ले रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, दे मस्ट गेट सम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन बेसिक्स। सचिन जी का क्वेश्चन है कि ये कब से स्टार्ट हो रहा है। आचार्य जी डेट चाह रहे हैं वो। मैं बता रहा हूँ आपको, एक ये इसमें सुभाष जी का भी क्वेश्चन है, इनका भी ऊपर क्वेश्चन रिजल्ट होती है। जी हाँ जी 17 अगस्त को फर्स्ट क्लास है। दिस द क्लासेस आर ऑन मंडे एंड वेडनेसडे राइट। तो इस हफ्ते में हमने नहीं रखी क्लास, कमिंग वीक में क्लास नहीं है, एंड नेक्स्ट वीक में मंडे का हॉलीडे है, बिकॉज 15 अगस्त है मंडे का। तो नेक्स्ट वीक में 17 अगस्त से वी आर स्टार्टिंग दी क्लासेस। तो यू लाइक टू इंटर प्लीज गेट योर सेल्फ एनरोल्ड। और जिनको बेसिक्स नहीं आता वो लोगों का टाइम है, करीब 10 दिन का टाइम है, दे कैन लर्न द बेसिक्स। देखिए बेसिक में क्या है, मैंने माइंड थ्योरी बताई है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप वो देख ले एक बारी। और बाकी आपको जब आप नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी बेसिक लेवल पीएलआर का, तो यू आर फ्री, यू कैन ज्वाइन फॉर फ्री, आपको उसके लिए पे करने का जरूरत नहीं है। तो बेटर है कि आप बेसिक का एक बार वीडियो देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अर्चना जी आप बताइए आपका क्वेश्चन। सचिन जी मैम, सुभाष सुभाष जी का एक प्रश्न था चैट में, एक बार मैं रीड आउट करता हूँ या अंशु जी को रीड आउट कर रहे हैं। हाँ जी सर, किसका सर? सुभाष जी का एक प्रश्न है चैट में ना। सुभाष जी का क्वेश्चन नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि ये कोर्स बहुत मजेदार है। क्वेश्चन तो उनके सारे खत्म हो चुके होंगे अब तक, जहां तक मैं जान चुकी हूँ। और एक उनका मैसेज है कि आपके द्वारा लोगों को पिछले जन्म में ले जाकर उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वो एक्चुअली सबको ये बात बताना चाहते हैं कि बिकॉज मुझे पता है और मेरे से भी डिस्कशन हो चुकी है उनकी एक दो बार, कि वो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जो जादा जी से सीखा है उन्होंने, एंड ही इज गेटिंग मेनी गुड रिजल्ट्स। नहीं, इन्होंने फोरम पे सबके सामने भी पास लाइफ किए हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किए हैं, बहुत सक्सेसफुली उन्होंने किए हैं खुद से। मैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करती थी, बट बहुत बहुत अच्छी तरह उन्होंने किया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अभी अर्चना जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। अर्चना जी आप बताइए। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, हम लोगों ने जब बेसिक क्लास सीखी थी तो उसमें फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन के बारे में थोड़ी बात हुई थी, और आपने बोला था कि मैं एडवांस लेवल में बताऊंगी कि किन परिस्थितियों में हम ले जा सकते हैं, क्योंकि ये सेफ नहीं है और मतलब हमेशा नहीं ले जा सकते, तो क्या हमें बताया जाएगा ये एडवांस क्लास में? इसीलिए मैं आपके लिए ये कोर्स 1 महीने से मैंने 2 महीने का किया है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि आप इतने इजी हो जाएं कि आपको ये टेंशन ही ना रहे कि इसके लिए क्या करना है मुझे। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स मैं इसमें लेके आई हूँ कि किसका आपको एज रिग्रेशन करना है, किसका आपको इनर चाइल्ड करना है, किसका पास्ट लाइफ करना है, किसको स्क्रिप्ट देनी है और कौन सी स्क्रिप्ट देनी है। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस कोर्स में, क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और एडवांस लेवल में एटलीस्ट वो एक लेवल आपका अप होना चाहिए कि आपको लगे कि यस पास्ट लाइफ तो मैं फट से कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, बस थोड़ा सा जो इधर उधर रह गया है वो भाई इससे पूरा हो जाएगा। जी नहीं, मेरा तो सवाल बस फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन को लेकर था। भी आपको यस उसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको फ्यूचर में किसको ले जाना है, नहीं ले जाना है, ये सब कुछ आपको इसी में पता लगेगा। जी मेरा मतलब उन सभी चीजों से था। ओके, क्योंकि कोर्स कंटेंट में नहीं था तो मैंने सोचा एक बार क्लियर कर दूं। नहीं, वो पूरा डिटेल है, मैं आपको और बता देती हूँ अगर आपको चाहिए तो, कि एक्चुअली जो दिया हुआ है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। एक तो बॉडी सिंड्रोम, ड्रीम थेरेपी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, करेक्टिव थेरेपी, तो
hypno aids, Paris window, five stages of loss, understanding depression, and hypnodrama, hypnotic regression, okay, fear and phobia, फिर से आएगा यहाँ पे, फिर से हम उसको पढ़ेंगे और डिटेल, क्योंकि क्या है, जितना आप आपका लेवल बढ़ता है hypnosis and past life regression में, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थेरेपी आप देना सीख जाते हैं. तो बहुत सारे ये इमोशनल मैनेजमेंट टेक्निक भी है, और मैंने आपको बताया ईएफटी भी मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगी, जिससे कि आपके अगर आपका क्लाइंट बहुत हाईली इमोशनली चार्ज है तो उसको हम कैसे नीचे लेके आए. कई बार ईएफटी करते करते ही आपका क्लाइंट पास्ट लाइफ में बहुत जल्दी चला जाता है, तो वो सब हम कैसे करेंगे, वो सब कुछ हम सीखेंगे इसमें, इंक्लूडिंग जो आपने अभी पूछा वो भी. आई होप आपका वो क्लियर है अभी. जी मैम क्लियर हो गया, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन, एनी मोर, एनी क्वेश्चंस, या कुछ भी आपको पूछना है, समझना है रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द फी स्ट्रक्चर, एनीथिंग? आई थिंक आप लोग एक छोटा सा मेडिटेशन करना चाहेंगे उससे पहले, अगर किसी का कोई नया क्वेश्चन नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट, जिन्होंने बेसिक पीआर किया था उनके जो अपने एक्सपीरियंसेस, उन्होंने जो अपनी जर्नी में ड्यूरिंग दी बेसिक कोर्स और बाद में भी उन्होंने कोई एक्सपीरियंसेस किए हैं, एंड इफ दे वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस प्लीज टू शेयर. राज जी ने तो अभी लिख के भेजा था, तो उन्होंने शेयर किए हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं, अर्चना जी ने एक्सपीरियंस किया है, सो प्लीज डू शेयर दी एक्सपीरियंसेस ताकि बाकी लोगों को अंडरस्टैंडिंग है हाउ पावरफुल टेक्निक इट इज. सो यू मे प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस. उससे पहले सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, पूनम जी का एक क्वेश्चन है, तो उसको जरा से एड्रेस कर लेंगे हम. yeah, ये के लिए है बेसिकली, है कि एक साथ इतना पेमेंट नहीं दे सकते हैं, तो क्या हम डायरेक्ट एडवांस कर सकते हैं? इसके लिए आप एकेडमी से बात कर सकते हैं, यू कैन कोऑर्डिनेट विद द कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स जो आपको हेल्प कर देंगे इसको वर्कआउट करने में. इसमें चैट के ऊपर एक बार नंबर फ्लैश कर देंगे एकेडमी का. चैट पे जो नंबर आ रहा है आप उस पे बात कर लीजिए, और वैसे भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा. Is this light visible? Thank you, Pune. Is this visible? हाँ जी बिल्कुल सर, visible है ये. Yes sir. नंबर है, आप इन पे बात कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं किसी को भी है तो. So you can take a screenshot of it and then you can connect with the इस दो नंबर पे जो यहाँ पे लिखे हैं, दो नंबर पे ग्रीन कलर में दो नंबर लिखे हैं 7982 वाला. अब अपने एक्सपीरियंसेस अगर कोई शेयर करना चाहता है जो ऑलरेडी बेसिक्स कर चुके हैं, तो प्लीज फोरम इज ओपन फॉर यू. अब बताए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा. आपने तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, शेयर इट. सुभाष जी ने पहले ही लिख दिया, ये बहुत मजेदार है. सर नमस्कार मैम, नमस्कार अंशु मैम. नमस्कार सर, नमस्कार. बहुत शानदार जर्नी है सर ये, और बहुत मजा आने वाला है इस जर्नी में. मतलब मेरे 50 से ऊपर पास्ट लाइफ कर चुका हूँ, और रिसेंटली कल मैं, और क्योंकि मैम थैंक यू मैम, मैंने कहा था कि मास्टर आपको तब मिलेगा जब आप 4 थीसिस लिख के देंगे, तो मुझे मैंने तैयारी कर रखी कि जब आप स्टार्ट करेंगे मैं 100 थीसिस आपको लिख के दे दूंगा स्टार्टिंग में ही. वेरी गुड. एक्चुअली अर्चना जी भी काफी परफेक्ट हो रही है धीरे धीरे, भी पास लाइव कर रही है, और उन्होंने भी अपने बच्चों के किए हैं, एंड शर्मिला जी के हमने पास लाइव किए, तो सुभाष जी ने किए हैं, और उनका एक नहीं तीन, मतलब कंटिन्यूस एक ही प्रॉब्लम के तीन पास लाइफ हुए हैं, जो उनको मैंने कुछ चीजें बताई उन्होंने की, और जो उन्होंने किया मतलब पास लाइफ सुभाष जी ने बहुत अच्छा किया.
सो जितने भी पास टाइप हुए सब रिजल्ट उसमें मिले हैं हमको। कोई भी ऐसा पास लाइफ नहीं था कि जिसमें हमें रिजल्ट्स ना मिले हों। और अब तो रिजल्ट की मतलब कोई टेंशन ही नहीं, अब तो कितना और हम अच्छा कर सकते हैं एडवांस लेवल उसके लिए है, और हम एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, और एक्स्ट्रा कैसे उसको कि दोबारा कभी मुड़ के वो प्रॉब्लम के बारे में हमसे कभी पूछा ही नहीं, चाहे वो पेन हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, या जो कुछ भी उसकी प्रॉब्लम हो, हम उसको एकदम श्योर शॉट सोल्यूशन दे सकते हैं काउंसलिंग के साथ। मैम सनी, मैं पेशेंट का किया था पास्ट लाइफ, वो लड़की है, स्किन कैंसर है उसको, तो मतलब बहुत शानदार लर्निंग है, और उसको कल से ही मतलब उससे जैसे जो जलन महसूस होती थी हमेशा उसको चेहरे पे, वो जलन उसकी खत्म हो गई है। कल किया है, आज मैंने पूछा तो उसको चेहरे पे जलन नहीं है। पूजा में तो दीपक नहीं जला सकती थी, उससे डर लगता था, आज वो दीपक जला रही है आराम से बैठे से, तो मतलब कि बहुत शानदार। जितने भी पास लाइफ मैंने किए हैं बिल्कुल 100% सब में रिजल्ट आए हैं, और बस जो लोग नहीं जा पाते या तो ये होता है कि वो में डर जाते हैं भाई, मतलब पास लाइन में रह जाऊँ, वो डर के कारण या तो वो डरने की वजह से नहीं जा पाते, या वो लोग नहीं जा पाते जिनको हम बिल्कुल एक वर्ड ये नहीं बता सकते पाते कि हमको कहाँ जाना है। मतलब अगर हम कंफ्यूज हैं कि इसको लेके कहाँ जाना है हमें, मतलब उसका हमें जो टॉपिक नहीं पता कि भाई इसको इश्यू क्या है, तो वो नहीं जा पाते, वरना सब लोग जीते पाते। हाँ, एक मिस्टर कैलाश जी हैं, उनका क्वेश्चन है क्या किसी के पास लाइफ में ले जाने वाले को कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पास लाइफ रिग्रेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई भी चीज एडिशनल नहीं होती, ना हम बाहर से कुछ डालते हैं, ना ही आपके अंदर से कुछ बाहर लेके आते हैं, ये आपका ब्रेन का प्रोसेस है, इसको बहुत नेचुरली आप ही के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि इसमें आपका बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, आपका माइंड इन्वॉल्व है, और बेसिकली ये आपकी सोल की जर्नी है, तो सोल की जर्नी में तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, दिस इज ऑल वेरी नेचुरल, तो इसमें ये कोई साइड इफेक्ट की तो कोई बात ही नहीं है, जो होगा अच्छा होगा या कुछ नहीं होगा, दैट्स इट। बट ऐसा होता ही नहीं कि कुछ ना हो, हमेशा हमें रिजल्ट्स मिलते ही हैं, राइट? तो अर्चना जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं, पूछना नहीं है मैम, शेयर करना है। इसी बात पर मैं बोल रही हूँ कि पुण्य मिलता है मैम, क्योंकि मैंने 15 से ज्यादा पास्ट लाइफ प्रिपरेशन की है, और कई प्रॉब्लम तो 200 साल से भी ज्यादा पुरानी थी, तो वो ट्रॉमा को वो लोग रिलीज कर पाए तो बहुत अच्छा लगता है, इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो बस यही कहना चाहती हूँ। वेरी नाइस। मैंने मैंने फोरम पे वो फोबिया भी रिलीज किया था मनीषा जी का, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा था, अपने बेटे का किया था, इसके अलावा बहुत सारे किए मैंने। इनफैक्ट इनफैक्ट कई बार ऐसा भी हुआ कि थोड़ा सा थेरेपी उधर उधर गई, लेकिन हमको इतनी अच्छी लर्निंग्स मिली है उससे कि हमारे आने वाली सारी थेरेपीज बैंग ऑन, लाइक इतनी लर्निंग्स हुई है कि छोटी 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 चीजें हमने जो सीखी है वहां पे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक मिस्टेक्स नहीं करोगे तब तक एक्सपर्ट्स नहीं बनोगे, तो बी रेडी टू डू मिस्टेक्स एंड लर्न बेटर। और जी, एक बात और बताना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने 4-5 महीने पहले कहीं और बाहर करवाया था, तो बस वो मतलब एक्सेप्टेंस आ गई उसे, उसे प्रॉब्लम समझ में आ गई कि क्या प्रॉब्लम थी, फिर जब मैंने उसे दोबारा किया तो जैसे आपने सॉल्यूशन बताया था, तो वो सॉल्यूशन और लर्निंग के साथ लाए तो उसकी लाइफ बहुत बदल गई है। 1 महीने के अंदर उसके इतने बढ़िया रिजल्ट, रिलेशनशिप का इशू था उनका, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वेरी नाइस। आपको उनसे टेस्टिमनी लेना चाहिए। वो टेस्टिमनी वो बोल रही थी कि आप जो भी बोलोगे मैं वो मेरी, बना कर दे दूंगी। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जिनको सक्सेस मिल रही है आप वीडियो टेस्टिमनी लीजिए। ये आप अगर आपको एस्टैब्लिश होना है एज ए पास्ट लाइफ रिग्रेशन काउंसलर, आपको बनना है आगे, तो आप सबका वीडियो टेस्टिमनी लीजिए। ये आपकी थेरेपी में ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग अलाउ नहीं करते कि आप फेसबुक पे मत डालिए, कुछ पर्सनल होते हैं या कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, हम उनके विश के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक पर्सनल लेवल पे आप अपने उस पर दिखा सकते हैं, देखिए मैंने ये किया था, उसका टेस्टिमनी ये है, तो वो एक और आपके लिए भी एक बहुत अच्छा कहते हैं एक बूस्ट रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, तो वो आप कर सकते हैं। आप लोग वीडियो टेस्टिमनी लीजिए और वो डालिए ग्रुप पर।
हाँ उन्होंने कहा भी था, उन्होंने खुद बोला था कि मैं एक टेस्टिमोनी बनाकर आपको दूंगी, बहुत अच्छी मतलब मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। वेरी नाइस, थैंक यू मैम। थैंक यू। यू मे प्लीज प्रोसीड विद योर एक्टिविटी। ये कैलाश जी, क्या मैं आपसे डायरेक्ट बात कर सकती हूँ? आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसका डिटेल मैं आपको दे सकती हूँ, तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली भी। आर यू देयर कैलाश जी? कैलाश जी है लेकिन अपना माइक ऑन नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा 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 तो ठीक है, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जो बेसिक का हमने अभी बताया था कि आप वीडियोस खरीद सकते हैं बेसिक के, और आप जो बेसिक का वीडियो देख सकते हैं, और आप एडवांस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो इससे आपको बेसिक और एडवांस दोनों की नॉलेज आ जाएगी, और अभी टाइम भी काफ़ी है हमारे पास, तो एटलीस्ट आप 3-4 एपिसोड भी अगर आप देख लेते हैं जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसके, तो भी आपको बहुत नॉलेज आ जाएगी कि हम लोगों ने बेसिक में किया क्या है। नहीं अभी कोई प्रश्न नहीं है, आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट। हाँ जी सर, तो आप लोग जैसे कि है आप लोगों ने सबने ज्वाइन कर ही लिया होगा लिंक से, जो भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, सो वील जस्ट सर हम इजाजत है फिर अभी जी। उजाला जी एक्टिविटी करवा रहे थे ना, उजाला जी मैं हाँ मैं एक एंजाइटी के ऊपर मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों के डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं उनके यहाँ पे या उनकी फैमिली में एंजाइटी और स्ट्रेस इशू बहुत होता है, तो मैं चाहती हूँ बस 3 मिनट का, हम 2 से 3 मिनट का एक मेडिटेशन मैं आपको करवाना चाहूंगी, जिसमें आप वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप उसको रिलीज कर पाएंगे। सो ऑल आर रेडी? उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने वीडियोस ऑन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन के बाद इट्स ऑलवेज गुड अगर आपका वीडियो ऑन रहता है, तो जो फैकल्टी है वो आपको वॉच कर सकती है कि आप किस उसमें है, स्टेज पर है इस वक्त। राइट, सो इट इज ऑलवेज इजी फॉर योर ओन गुड, यू हैव टू कीप योर वीडियोस ऑन, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। हाँ जी, तो एवरीबडी अभी स्टार्ट करती हूँ मैं मेडिटेशन। एवरीबडी प्लीज सिट कंफर्टेबली, आप जहाँ पे भी बैठे हैं कंफर्टेबली बैठिए, अगर आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं तो थोड़ा बैक सपोर्ट ले लीजिए, दो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट मेडिटेशन, बट फिर भी मेडिटेशन मेडिटेशन ही होता है। तो स्पाइन आप थोड़ी सीधी रखेंगे तो एंजाइटी आप बहुत अच्छे से रिलीज कर पाएंगे अपनी, एंड आप अपनी एंजाइटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो जस्ट क्लोज योर आइज, breathe in and breathe out, सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर छोड़िए, जितना easily आप ये कर सकते हैं करिए। अपने आप को totally surrender कर दीजिए, अपनी body पे कोई भी force मत डालिए, ऐसा महसूस कीजिए कि आपकी body नहीं है। जैसे आप सांस अंदर लेते हैं आपकी body एकदम light हो जाती है, आप बहुत लाइट महसूस करते हैं, बहुत हल्का महसूस करते हैं। एक बार बहुत गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखों को बहुत सॉफ्टली क्लोज रखिए, फोर्स मत दीजिए अपनी आईज पे। ये बहुत इंट्यूटिव मेडिटेशन है जहाँ पे आपको अपने इंट्यूशंस का यूज करना है, अपनी एंजाइटी अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। जब आप अब अपनी आंखें बंद करे हैं और आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लेकर आए हैं, तो आप देखिए आपकी सांसें कैसे अंदर जा रही हैं, कैसे बाहर आ रही हैं। आप जब सांसों को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, आपकी बॉडी
एकदम हल्की होती जा रही है, और आपके पीछे जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको दिख रहे हैं, आप उनको देख पा रहे हैं, जिनका आप डीएनए हैं, जहां से आपकी लाइफ आ रही है, जहां से आपकी लाइफ की लाइट आ रही है आपके अंदर। लेकिन उस लाइट के साथ एक छोटे छोटे कण आप देखेंगे, काले काले छोटे छोटे कण हैं, वो भी आप तक आ रहे हैं, जो आपके नहीं है। आप शारीरिक रूप से जहां हैं वहीं बैठे हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी बॉडी है, जो आपकी एनर्जी बॉडी का शेप है, वो पीछे टर्न हो जाता है और आपके सारे पूर्वजों को देखता है और उन्हें थैंक यू बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए। आप अपने एंसेस्टर की एक से लेके 50 पीढ़ी भी देख सकते हैं, 100 पीढ़ियां भी देख सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या दिखता है और कितनी पीढ़ियां आप देख सकते हैं। जब आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं, जो कि सिर्फ आपकी एनर्जी बॉडी है, जो सिर्फ लाइट और एनर्जी रिसीव कर रही है, आप जब उस लाइट को देखते हैं तो जो छोटे छोटे कण है वो आपकी एंजाइटी और आपका स्ट्रेस। तो आप अपने एंसेस्टर्स से कहिए कि ये मेरा नहीं है, मैं इस एंजाइटी और इस स्ट्रेस से बाहर रहना चाहता हूं, और मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी लाइफ जितनी बेहतर कर सकता हूँ और जितनी बेहतर जी सकता हूँ या मैं जी सकती हूँ, उतनी बेहतर मैं जीऊँ। मुझे आपसे ये आशीर्वाद चाहिए। लेकिन ये जो छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स हैं, जो लाइट आपसे मुझे आ रही हैं, ये मेरे लाइफ में एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। आप ऊपर देखते हैं सनलाइट में तो आपको सूर्य और चंद्र दोनों नजर आते हैं। आप सूर्य और चंद्र की तरफ देखते हैं और वहां से जो लाइट आ रही है आपकी रिक्वेस्ट के वजह से, कि जो डार्क स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं वो ये लाइट, सूर्य और चंद्र दोनों की लाइट उनको क्लीन करते जा रही है। तो जितना आप उसको क्लीन कर सकते हैं, आप सूर्य और चंद्र की लाइट पर फोकस रखिए और देखिए कि वो ब्लैक स्पॉट्स क्लियर हो रहे हैं। मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ, आप अपना फोकस केवल और केवल लाइट और वो डार्क स्पॉट जो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस दे रहे हैं उसको क्लियर कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप क्लियर कर सकते हैं आप कीजिए। आप देखती रहिए। और अपना स्ट्रेस और एंजाइटी क्लियर कीजिए। और अब आप आपके सर के बीचों बीच जहां आपकी पीनियल ग्लैंड है वहां पे एक व्हाइट लाइट महसूस करते हैं, जो आपके पीनियल ग्लैंड में स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करने के जो बिलीफ हैं, जो पैटर्न्स हैं, उनको वो रिलीज कर रही है और आपका सर एकदम हल्का हो जाता है। वो लाइट धीरे धीरे आपके पूरे सर में भर जाती है और उधर चंद्र और सूर्य की लाइट वो सारे कण जो स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं वो क्लियर कर रहे हैं। और ये जो डिवाइन लाइट आ रही है, जो आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं, जो एंजाइटी और स्ट्रेस की सिचुएशन बनाते रहते हैं हमेशा आपकी लाइफ में, उसको धीरे धीरे बंद कर रही है। जैसे कि पीनियल ग्लैंड
में आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेंगे, आई नीड हैप्पीनेस ओनली, मुझे केवल हैप्पीनेस चाहिए, आई रिलीज, ये स्ट्रॉन्गली बट मेंटली आपको बोलना, आई रिलीज स्ट्रेस एंड एंजाइटी फ्रॉम माई स्पेस, मैं अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी के दायरे से स्ट्रेस एंड एंजाइटी को रिलीज करता हूँ अभी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी बॉडी है जो पीछे की तरफ टर्न हो रही थी वो भी वाइट होते जा रही है, और बहुत धीरे धीरे वो टर्न हो रही है फिर से अपनी जगह लेने के लिए आपकी फिजिकल बॉडी के साथ, और वो आपके फिजिकल बॉडी के साथ मर्ज हो जाते हैं, और जैसे ही वो मर्ज होती है आपको एक बहुत हैप्पी फीलिंग आती है और आप बहुत लाइट फील करते हैं, और आप अपने पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी ये ब्लेसिंग्स हमेशा मुझ पर बनाए रखते, मैं बहुत आभारी हूँ मेरे इस सुंदर जीवन के लिए और इस हेल्दी जीवन के लिए। धीरे धीरे आप और गहरे गहरे अंदर चले जाते हैं मेडिटेशन में, आप फील करते हैं कि केवल और केवल अब हैप्पीनेस ही आपके स्पेस में है और कुछ भी। धीरे धीरे आप सांस लेते हैं, क्योंकि आप अभी बहुत खुश है तो व्हेनेवर यू आर ब्रीदिंग फुली, और जब जब आप सांस ले रहे हैं आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते चले जा रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहा है, पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आप मदर अर्थ को दे देंगे अगर ऐसा आपको लगता है तो। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने पैरों पे ध्यान दीजिए, अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए, अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा मूव कीजिए। अब आप अपने थाइस को महसूस कीजिए, अपने पेट और अपने बैक को महसूस कीजिए, अपने चेस्ट को महसूस कीजिए, अपने सर, अपने कान और अपनी इंद्रियों को महसूस कीजिए, और आप फिर से अपनी सांसों पर ध्यान देंगे कि वो कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। धीरे धीरे आप जहां पर बैठे हैं आप उस जगह को महसूस कीजिए, आपको वहां गर्म महसूस हो रहा है या ठंडा महसूस हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अब आप जब भी रेडी हैं आप अपनी आंखें खोल सकते हैं विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस ऑन योर फेस, आप अपने फेस पे स्माइल लेके आइए। जिनको एनर्जी ज्यादा या कम लग रही है वो अपने हाथों को ऐसे थोड़ा सा शेक कर लीजिए ऐसे, जिससे कि एक्स्ट्रा एनर्जी चली जाएगी। एंड आपकी बॉडी में अगर कम एनर्जी है, कि कई बार आपका बॉडी प्रोसेस करता रहता है तो एनर्जी कम होता है, जिनको बहुत ज्यादा एंजाइटी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है उनकी बॉडी थोड़ा लाइट और हल्का बट थोड़ा सा वीक महसूस करती है, तो वो भी चला जाए। कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा हाउ यू फेल्ट? हल्का परंतु रतिन जी आपका आवाज कट रहा था तो कुछ समझ में नहीं आया है।
काफी डीप ट्रांस में थे जब मैं देख रही थी आपको। मेरा तो आपकी आवाज के साथ और अंशु मैम की आवाज के साथ ऐसा एसोसिएशन हो रखा है कि आप बोलते हैं और मैं कौन सा हूं। आपकी आपके क्लास लेने मुश्किल स्टार्टिंग से ही ऐसे हमारी आवाज ही उनके लिए हिप्नोथेरेपी का काम करती है। नहीं एक्चुअली हिप्नोथेरेपी में क्या होता है, अगर आपने किसी से हिप्नोथेरेपी ली है तो आपका वो एक एसोसिएशन, आपको मैंने एसोसिएशन की थ्योरी पढ़ाई थी ना, कि जिस आवाज के साथ जिस चीज के साथ आपका एसोसिएशन हो जाता है तो वो उसका असर ही डबल हो जाता है। जैसे सेल्फ हिप्नोसिस आपने सीखा था तो मैंने बोला था ना कि एसोसिएशन आप उस जगह के साथ बनाइए जहाँ आप बैठते हैं, टाइम के साथ बनाइए एसोसिएशन, तो वो चीज़ और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इसीलिए तो हमारे रिलीजन में कहा जाता है कि पूजा एक ही टाइम पे करो, जब सुबह उठ के एक रूटीन फॉलो करो उसी टाइम पे रोज पूजा करो तो उसका फल दुगना हो जाता है, बिकॉज दैट एनर्जी इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। अब ये चीज अभी देखिए हिप्नोसिस में ये माइंड थ्योरी से कितना रिलेट करती है, करती है ना, जो आपने माइंड थ्योरी पढ़ी थी जो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक एसोसिएशन होता है हर चीज के साथ, क्योंकि फियर का भी एसोसिएशन होता है राइट, किसी को सांप देख के डर लगता है, किसी को कुछ देख के डर लगता है राइट। सो ये सारी चीजें एसोसिएशन काम करता है, ये सब हमारे जो रिलीजन में बताया गया ये कोई मतलब वो सब नहीं है, ये इसका कोई रीजन है, ये सब कुछ आपके दिमाग से, सारी पूजा पाठ सारे मंत्र सब कुछ आपके दिमाग पे काम करते हैं। महामृत्युंजय जाप क्या है, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे काम करता है, आपके ब्रेन पे काम करता है, जो हमारा ये ओम भूर्वः सूर्य मंत्र है ये आपको वाइटलिटी देता है, एनर्जी देता है राइट, आपको ब्राइटनेस देता है। फेमस होना है तो ओम भूर्वः स्वः रोज कीजिए। सो ये सब कुछ आपके हर मंत्र भी आपके माइंड से कनेक्टेड होता है। 10,000 टाइम्स आपने जो मंत्र कर लिया उसका एसोसिएशन आपके ब्रेन से हो जाता है, इसको सिद्धि कहते हैं, है कि नहीं, इसको सिद्धि कहते हैं। उजाला जी सिद्धियां मत बोलिए, सब को इंटरेस्ट जाग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हिप्नोसिस में भी हम क्या कर रहे हैं, थीटा में भी हम क्या कर रहे हैं, थीटा इज अ काइंड ऑफ सिद्धि ओनली ना, यू आर देयर विद थीटा ब्रेन वेव, यू नो हाउ टू रीच देयर, यू नो हाउ टू चेंज द पैटर्न्स ऑफ लाइफ, कैसे कर लेते हो आप, बिकॉज सिद्धि का मतलब होता है किसी चीज के द्वारा आप किसी भी चीज को बदल सकते हो, किसी एनर्जी को आप इतने अच्छे से समझते हो, उसके साथ आपका इतना अच्छा इंटरेक्शन हो गया है कि उसके थ्रू आप किसी भी एनर्जी को बदल सकते हो। अट्यूनमेंट्स भी क्या है, इट्स अट्यून्ड विद दैट एनर्जी, आपका एनर्जी लामा फेरा में भी हम वही करते हैं ना, अट्यून करते हैं खुद को, अट्यूनमेंट्स देते हैं ना अंशु जी राइट, तो वो अट्यूनमेंट जो होता है दैट इज अ काइंड ऑफ फ्लो एनर्जी, वो क्लियर करता है उस फ्लो को, क्योंकि एवरी रेकी लामा फेरा थीटा ये सब जो एनर्जी साइंसेस हैं जिनसे एनर्जी के द्वारा आप हील करते हो, दिस इज टू अंडरस्टैंड वन टाइप ऑफ एनर्जी टू क्लीन द अदर एनर्जी। एक एनर्जी से आप उसको इतनी अच्छी तरह समझ गए हो, जैसे हम सिंबल्स के थ्रू करते हैं, आप उतना अच्छी तरह समझ गए हो कि आपको पता है कि उसके हिसाब से हमको कैसे किस चीज को कैसे क्लियर करना है, आप हर इश्यू क्लियर कर सकते हो आप उसके साथ में, हर तरह की हीलिंग हम लोग करते हैं राइट। उजाला जी एक चैट में क्वेश्चन है जी आत्माओं के ऊपर, तो उससे पहले उस क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले आशीष जी का क्वेश्चन लेते हैं फिर हम उनके दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। हाँ, मैं उनको बता देती हूँ। हाँ आशीष जी आप बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ मैम, दूसरी मैम है, क्या नाम है भूल गई हूँ। अंशु मैम गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग सर। एक्चुअली थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं लग रही थी मैम, मुझे फीवर हो रखा था तो मैं प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन बात नहीं, आजकल वेदर भी खराब हो रहा है। हाँ जी, तो मैं अभी आपने जो मेडिटेशन कराया ना, वैसे भी आपकी आवाज के साथ में हम लोग इतने अट्यून्ड हो गए, जैसे आप बोलते जाओ पहुंच जाते हैं, तो काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और अभी आपने जैसा करा है ना, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत हल्का फील हो रहा है, और
मतलब नहीं, आपका इशू है एंजाइटी का, बहुत अच्छा है आपने ये मैंने किया आपने, तो फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे वीडियो ऑन करके थोड़ा अपनी चीजें फीलिंग एक्सप्रेस करनी चाहिए। और आपका मैंने पीएलआर का पूरा कोर्स किया है मैम, मैंने ऑनलाइन तो नहीं आपके उस पर करा पाई हूँ, मैंने अच्छे कम से कम कराए हैं ऑफलाइन कराए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जिन लोगों ने जिनको कराया का फाइनेंशियल का कराया है मैंने, और मतलब दो तीन लोगों के मैंने रिलेशनशिप से लेकर इशू कुछ कराया था इस टाइप के प्रॉपर थे, और मैं आपको दो तीन तो मैंने बताए थे। खुद का मैंने 3 से 4 बार किया है पीएलआर, और मैं हर बार गई हूँ, हर बार मैंने अपनी लाइफ देखी है, और मैंने बहुत सी चीजें ऐसी देखी जिनके क्वेश्चन में इस लाइफ में ढूंढ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है या क्यों हुआ, तो वो सारी चीजें मिली। तो जैसे भी अभी कोई पूछ रहा था ना कि हम खुद को कैसे ले जा सकते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम पे डिपेंड है कि हम कितना एटीट्यूड है उस चीज को लेकर, कितने सीरियस हैं और कितना डीपली जाके उन चीजों को समझ रहे हैं। आपने जितना भी वीडियोस पहले दिए या जो भी हम लोगों को जितनी भी क्लासेस दी उनमें आपने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी देखा कुछ लोगों को जाके समझने की कोशिश की कि क्या वो क्या सिखा रहे हैं आपके कोर्स करने से पहले, बट मुझे लगा कि जब यहाँ पे हम लोग हैं तो यहाँ पे मैं करके देखती हूँ, बट मुझे उनके से एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे से कराया। हाँ थोड़ा सा जी, तो मैं सेटिस्फाई हूँ मैम, और मैं नेक्स्ट कोर्स में भी आ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर हमने वो कंप्लीट किया है और अगर इसको नहीं करेंगे तो हमारी जर्नी अधूरी है। फिर हमें जो एक क्लियरिटी चाहिए, अगर इस प्रोफेशन में हमें उतरना है तो बहुत अच्छे से हमारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमें किसको कैसी थेरेपी देनी है, किसको क्या बोलना है, किसको कैसे हैंडल करना है, ये हमें समझ आ जाएगा। हालांकि 80% हमें समझ आ गया है, बाकी 20% जो कसर रह गई है अभी, वो पूरी हो जाएगी। कोर्स आपका आने वाला है, इसमें तो आपको काफी कुछ समझना है, इसमें थ्योरी भी उतना ही है, प्रैक्टिकल भी उतना ही है, और आपको बहुत अच्छे से बातचीत करने का तरीका आएगा आपको इसमें। इवन मैं बात कैसे आपके क्लाइंट को आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना वो भी मैं आपको बताऊं। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल अकॉर्डिंग टू पीएलआर, हाँ ये बहुत अच्छी हो जाएगी। काउंसलिंग एक्चुअली कम्युनिकेशन नहीं, इट इज काउंसलिंग। हाँ, काउंसलिंग में क्या होना चाहिए। जी मैम, ओके। सो ये राहुल जी ने पूछा, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आशी जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, thank you very much and welcome to the next class. sure ma'am, okay, we will rock. okay, so rahul ji ka question ye hai ma'am, kya aatmaon ko bulana ya unse baat karna sahi hai? nahi, unko bulana baat karne ka koi matlab nahi hota, because it is creating karma on you. okay, ek to ye hota hai ki aatmaen aap कि एनर्जी से बहुत हायर एनर्जी होती है, दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू सी देम, क्योंकि हम जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं और वो जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है इट इज मच हायर, एंड ये ही रीजन है कि हम उनको नहीं देख पाते। हम चींटी देख लेते हैं, हाथी देख लेते हैं, सब देख लेते हैं, बिकॉज वो हमसे लोअर वाइब्रेशन में या इक्वलेंट वाइब्रेशन में होते हैं, दैट वी कैन सी। दूसरी बात ये होती है कि या तो आपका कोई गिव एंड टेक है तो वो अपने आप ही वो आते हैं, आपका जो भी कन्वर्सेशन होना हो जाता है, लेकिन जब आप उनको जबरदस्ती बुलाते हैं इट गिव्स लॉट ऑफ ट्रॉमा टू दैट सोल, उनको बहुत एफर्ट और एनर्जी लगाना पड़ता है, विच इज नॉट राइट। हम लोग तांत्रिक तो नहीं है, राइट? हम लोग हीलर्स हैं, वी हील द सोल, वी डोंट ट्रबल द सोल। किसी सोल को ट्रबल नहीं करना है ना, अगर आपके स्पेस में ऑलरेडी सोल्स हैं, एंटिटीज हैं, तो हम उनको रिलीज करके लाइट में भेजते हैं, बट उनको हम बातचीत करने के लिए टी पे या डिनर पे इनवाइट नहीं करते कि आप आइए डिनर कर लीजिए, राइट? नहीं करते ना, कि बुलाना है सही नहीं, हमको वो नहीं करना होता। इट क्रिएट्स बिग कर्मा। जितना जिंदा इंसान को आप परेशान करोगे उससे 100 गुना ज्यादा कर्मा आपको तब आता है जब अननेसेसरी आप किसी सोल को बुलाते हैं फॉर योर ओन पर्पस। बल्कि अगर सोल दिख जाए तो हम उनको प्रणाम करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि वो लाइट में जाए तो ज्यादा अच्छा है, राइट? उनको मुक्ति मिले, रिलीज होते हैं तो। यस,
सो ऐसा कभी नहीं करना है कि हमको सोल्स को बुलाना है, ये करना है, इट डजंट वर्क एक्चुअली, ये चीजें काम ही नहीं करती। ये राहुल जी, कैन वी टॉक? राहुल जी, आर यू देयर? यस मैम। हाँ, तो ये मतलब आपने कोई मॉडलिटी या कोई चीज ऐसा सीखा है जो मतलब आप ये चीज के बारे में पूछ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी मदर हैं, वो मैं तो नहीं चाहता बुलाना, जैसे आपने कहा ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अपने पूर्वजों को धन्यवाद बोलना है। हाँ जी, तो ये उसके रिगार्डिंग है कि ये क्या करना है, कि मतलब उनको उसमें बुलाया जाता है या क्या किया जाता है? नहीं, वी आर, हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं उनको, वी आर जस्ट, जैसे होता है ना कि इमेजिन करके उनको थैंक यू, एक होता है इमेजिन करना, एक होता है एक्चुअली बुलाना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। अच्छा, एक होता है कि हम ग्रेटिट्यूड के साथ उनको देख रहे, इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि और हम इमेजिन भी कर रहे हैं लाइट फॉर्म में, लाइट, लाइट इन द सेंस जो लाइट, डिवाइन लाइट होती है, बिकॉज जो हमारा डीएनए भी है वो भी लाइट है, तो जो हमारे इवन पेरेंट्स भी होते हैं ना, उनको भी हम कॉल नहीं करते, क्योंकि उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, और शायद अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वास्तु में भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप डेड वंस के फोटो लगाए घर में, चाहे वो आपके पेरेंट्स क्यों ना हो या ग्रैंड पेरेंट्स क्यों ना हो, तो वो टाइम पे ही निकाले जाते हैं, हम लोग नहीं लगाते ना, बिकॉज दे आर हैवी एनर्जी, दे आर मच मोर हायर एनर्जी देन अस। थीटा हीलिंग वाले जानते हैं कि वो किस प्लेन में है और हम किस प्लेन में, वो सारा कुछ मैंने उनको बताया है, तो उनको तो पता है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जो मेरी मदर जो है 1 ईयर पहले एक्सपायर्ड हो गई थी जी, आज से 1 साल पहले जी, जी तो उनकी एज ज्यादा नहीं थी, 61 की नहीं हुई थी, वो अपने जन्मदिन से पहले उनको मतलब चली गई, तो उनकी भी काफी मतलब यादें भी आती हैं, अभी साल ही हुआ है जी, जी, जी। तो मैं भूलने की भी कोशिश करता हूँ कि बातें फिर भी याद आती है, ऑब्वियस है, वो तो होगा ही, देखिए वो अलग बात है। तो वैसे तो मैं भूलने की कोशिश करता हूँ कि मैं याद ना करूं उनको, जैसे बहुत सारी चीजों में, जैसे सारी चीजें प्रिपेयर करती थी, जैसे एज अभी तो मैं बैचलर हूँ, खाना बनाना वो सारी चीजें मम्मी करती थी, तो अभी सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो भी याद आती है, और बाकी हर चीज में काफी किसी से बात करनी की, शेयरिंग करनी है, अभी तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी मतलब रहता है कि मतलब। नहीं वो ठीक है, सी क्या होता है, हर सोल की अपनी जर्नी होती है, वी कैन नॉट इवन चेंज दैट जर्नी, चाहे वो अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की हम चेंज नहीं कर सकते, तो अपने पेरेंट्स की तो क्या ही चेंज करेंगे, है ना, उनकी अपनी जर्नी है, हमारी अपनी जर्नी, अब आपको देखना है कि आगे की जर्नी आपको कैसे करनी है ना, उनको तो जितनी जर्नी कंप्लीट करनी थी उन्होंने करी, अब वो चली गई, और हमारे पेरेंट्स हमको इस लाइफ तो बना ही देते हैं कि हम आगे की जर्नी खुद कर पाए। हाँ, बट जो आप बोल रहे हैं इमोशनली, ये चीजें काफी मैटर करती है, साल भर कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है, और आप लोग को एक चीज नहीं पता है, जब आपके पेरेंट्स स्पेशली जब उनकी डेथ होती है, आपके डीएनए को भी एक झटका लगता है, क्योंकि अभी तक तो वो लाइट फिजिकली प्रेजेंट है, फिर वो अचानक से वो लाइट चली जाती है, तो उनको एनर्जी लेवल पे वो लाइट कनेक्ट करनी पड़ती है आपके डीएनए को, तो थोड़ा एक झटका लगता है, इसीलिए हमको इमोशनल ट्रॉमा ज्यादा होता है जितना ज्यादा एज आपकी हो जाती है, इसीलिए हमको वो 13 दिन दिए जाते हैं जहां पर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, या जो हमारे अपने लव्ड वंस हैं जो चले गए दुनिया से, जैसे वो बता रहे हैं, तो ये समय क्यों दिया जाता था पहले, क्यों रिश्तेदार हमारे रहते थे, क्योंकि जो रिश्तेदार होते हैं उनकी एनर्जी में वो डीएनए की एनर्जी चाहे 25% हो, 50% हो, 70% हो, पर वो मौजूद होती थी, तो हमको वो सिक्योरिटी मिलती थी, वो एनर्जी वहां से मिलती थी, पर आजकल
आइसोलेटेड होते जा रहे हैं हम लोग. वैसे कहते ना सुख में मिले ना मिले, मगर दुख में तो मिलते ही हैं, ऐसा नहीं है. आज भी इंडिया में इतना तो है. तो इट इज वेरी गुड टू मीट पीपल. तो आपके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, यू गो एंड मीट योर रिलेटिव्स मोर. अपने रिलेटिव से मिलिए तो आपको अच्छा लगेगा. नहीं अभी तो स्टार्टिंग में 1 मंथ और 2 मंथ तो थोड़ी दिक्कत आई थी, याद ज्यादा आती थी तो. लेकिन अब तो खैर मेरे फादर भी थोड़ा परेशान रहते थे थोड़ा सा 1 मंथ 2 मंथ. अभी तो खैर ऑलमोस्ट 1 या 2% रह गई है. मतलब ये है कि थोड़ा सा एक रहता है कि आप मैरिड नहीं है? नहीं अभी तक नहीं. हाँ तो बस आप शादी कर लीजिए आप. हाँ मतलब रहता है. बाकी तो ये है कि कब वो भी एक टाइम के बाद तो उनको भी जाना ही है सबको. देखिए पेरेंट्स तो किसी के नहीं रहते जिंदगी भर. एक ना एक टाइम पे आके आपको अपनी लाइफ बिना पेरेंट्स के देखनी ही पड़ती है. तो जिसको जब देखनी पड़ जाए तब है नहीं. कोई ना कोई कभी ना कभी तो ऐसे स्टेज पे आता है जहां उसके पेरेंट्स नहीं होते. नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग चले जाते हैं तो उनको याद करना चाहिए नहीं करना चाहिए. जैसे एक मेरे जानकार है उनके भी वाइफ भी एक्सपायर हो गई किसी तरीके से. तो आजकल कोरोना में भी बहुत लोग मरे तो इस केस में क्या उनको याद करना चाहिए जैसे? नहीं देखिए मैं आपको बताती हूँ. आपका जो आपका सोच है और जो जैसे हम PLR करते हैं ठीक है, और आप जो आज अभी सोच रहे हैं, अगर कई बारी ये चीज आपको ज्यादा प्रॉब्लम देती है तो हो सकता है आपका पास लाइफ कोई कनेक्शन हो आपके मदर के साथ जो आपको ज्यादा पेन दे रहा है या ज्यादा कनेक्टिविटी बना रहा है, या आपकी मदर का कोई ऐसा गिव एंड टेक रह गया हो आपके साथ. तो उसके लिए हम पास लाइफ रिग्रेशन करके देख लेते हैं. अगर आपको उनका जाना ज्यादा खल रहा है बहुत ज्यादा और आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे भी हम पास लाइफ कर सकते हैं और उस पास लाइफ के थ्रू ये देख सकते हैं कि ऐसे क्या चीज है जो आपको यहाँ पे इस लाइफ में कनेक्ट नहीं होने दे रही. तो ये पॉसिबिलिटी आपके लिए है तो ये भी हम कर सकते हैं. क्योंकि हर एक का अपने जो जितने आप हर जन्म में हम उन्हीं लोगों के साथ पैदा होते हैं जिनको हम जानते हैं. इवन आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में हम किसी ना किसी तरीके से मिले ही होंगे क्योंकि हमारे बीच भी गिव एंड टेक है. मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हैं, यहाँ सर है या मेरे पेरेंट्स हैं या मेरा बेटा है या जो भी है या मेरे इन लॉज हैं, हमारे बीच कोई ना कोई गिव एंड टेक है तभी हम उनके साथ पैदा हुए हैं. तो अगर कोई का जाना जैसा कि मैंने अभी इसमें अभी अभी बताया था कि इन केस ऑफ डेथ इन केस ऑफ सेपरेशन और डिवोर्स ये जो पेन होता है ये जो सेपरेशन होता है ये एक्चुअली काफी पेनफुल होता है. तो अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो PLR इज द बेस्ट थिंग टू डू क्योंकि जितना नॉलेज होता है ना उतना हम पेन से बाहर होते हैं. जितनी अंडरस्टैंडिंग हमको किसी सिचुएशन के साथ या किसी चीज के साथ या जो हमारी लाइफ में हो रहा है उसके साथ हमें पता है कि ये क्यों हो रहा है और इसमें से बाहर हमें कैसे आना है उतना वो कम हो जाता है. लेकिन जब हमें पता ही नहीं होता कि इसका हमें क्या करना है तब हम उलझ जाते हैं. ठीक है अभी जैसे आपको ऐसा लगता है कि 1 साल के बाद भी मैं बहुत अपनी मदर से अभी भी अटैच्ड हूँ तो उसके लिए भी थेरेपी की जा सकती है. अब उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मदर से आप डिटैच हो रहे हैं. नहीं एक बैलेंस आ रहा है आपके अंदर कि आपको पता है कि माय मदर इज देयर ब्लेसिंग्स आर देयर बट आई एम आल्सो हियर. मुझे तो अपनी जिंदगी जीनी है राइट. नहीं अभी तो खैर मैं उनको अभी इतना एडजस्ट करता हूं. बाकी तो जैसे एक बच्चे के लिए होता है ना छोटी मोटी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है एक अच्छा खाना और एक सब चीजों. हाँ तो ये आपके अगर आप चाहें आप PLR ज्वाइन करें आपको ये अंडरस्टैंडिंग आएगी. जैसे PLR सिर्फ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है ये अंडरस्टैंडिंग. अब तो जो कुछ भी मैं करा रही हूँ एडवांस में दिस इज आपका पूरा फैमिली अंडरस्टैंडिंग है आपकी फैमिली में क्या था. तो ये सब कुछ है. तो अगर आपको इस सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से चाहिए तो आप PLR ज्वाइन कीजिए. आपको इससे रिलेटेड बहुत नॉलेज आएगी कि क्या होता है जब ये सारी चीजें होती हैं. मैम बेसिक नहीं किया मैं मैंने अभी तो उसका
बेसिक के लिए तो ऑप्शन है ना, वो आप वीडियोस खरीद सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और फिर आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जब मैं दोबारा बेसिक कराती हूँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो आप कर सकते हैं ये ज्वाइन। वैसे मैंने दो प्रोग्राम ज्वाइन किए हुए हैं सर के, एक तो यहाँ पे तो सबने तीन तीन चार ज्वाइन किए हुए अनगिनत, एक दूसरा डीएनए, एक डीएनए क्वांटम किया हुआ है, अभी स्टार्ट ही किया है, वो भी होगा 11 से, ये भी थर्ड प्रोग्राम होगा मेरा। कोई बात नहीं मैम, कर इसका टाइमिंग क्या होगा मैम? 5:30 ओके, मंडे टू वेडनेसडे, मंडे एंड वेडनेसडे ओके ओके नो प्रॉब्लम मैम। उसका 7:30 है तो क्लैश हो जाएगा, मैनेज आराम से मैनेज हो जाएगा, एंड ओनली 2 क्लासेस इन अ वीक इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा ये 1.5 आवर चलेगी ना मैम? हां मुझे राजीव सर से पूछना है, एक्चुअली वेडनेसडे तो हमारी क्रिस्टल की क्लास होती है सर उस टाइम पर, अभी 7 क्लासेस रह भी गई है, सो 5:30 हाँ वेडनेसडे उन्होंने बोला था शिल्पी मैम ने 18 क्लास लेंगे और 2 क्लास आपकी जो जेम्स की क्लास है, तो इस हिसाब से 7 क्लासेस बची। आप चिंता मत करो, जो क्लासेस है वो एडजस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंगली, यू नीड नॉट टू बी वरी, कोई क्लास क्रैश नहीं होगी। ओके, यानी उनका टाइम चेंज कर दिया जाएगा, जो एकेडमी वर्कआउट कर लेगी बट आपकी क्लासेस क्रैश नहीं। ओके ठीक है। प्रवीण जी आप कोई क्वेश्चन है आपका बताइए। मैडम क्वेश्चन है हमारा कि जैसे हम पास्ट रिग्रेशन उसमें जाते हैं तो हम कितने जन्मों तक जा सकते हैं पीछे अपन? ये इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रॉब्लम है जी जी, तो अगर उसका सलूशन 10 जन्म बैक है तो 10 जन्म भी आप जा पीछे जा सकते हैं, 20 जन्म पीछे भी जा सकते हैं, तो जहाँ पे उसकी जड़ है आपकी प्रॉब्लम की आप उसी जन्म में जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि वो जन्म के अलावा भी जहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो शायद और पीछे है, तो हम कई बार एक ही पास्ट लाइफ में 2 करते हैं, जो हमने किया भी है अपनी क्लास में, तो कई बार और पीछे भी हम जाते हैं, मान लीजिए 20 जन्म पीछे भी चले गए, लोग 50 जन्म पीछे भी जाते हैं और वो बताते भी हैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब बताते हैं कि मैं इस टाइम में हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कौन क्या देखता है और क्या बताता है। बहुत सारे इवेंट्स लोगों ने बताए हैं कि वो इस राज की रानी थी, उसका ये था वो था, तो बहुत सारी चीजें जो है हमने वो एक्चुअली पूरा गूगल सर्च करके भी देखा है तो वो सच था। ओके ओके, और ये कमिंग मंडे से स्टार्ट है ये वाला जो प्रोग्राम है? नहीं, प्रवीण जी 17 तारीख से स्टार्ट होगा, ये 17 का वेडनेसडे है तो आफ्टर 15 अगस्त ये स्टार्ट होगा, 15 अगस्त के बाद स्टार्ट करेंगे जी जी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। ओ अवर हिस्ट्री जानने के लिए भी हम पीएलआर में जा सकते हैं, मतलब रादर देन कोई इशू ही है वी कैन गो टू नो अवर हिस्ट्री, जा सकते हैं जी, क्यूरियोसिटी के लिए भी आप जा सकते हैं, क्यूरियोसिटी भी आपके अंदर जानने की क्यूरियोसिटी है अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में आप जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका अपना उद्देश्य क्या है, तो ये जर्नी के अंदर आप काफी सारी चीजें समझेंगे सीखेंगे, एंड जितने भी हमारे अभी मिथ है, जितने भी प्रश्न है इस टाइप से और जो हम आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हमारे दिमाग के उलझनों में चल रहे हैं, उन सबका सॉल्यूशन यही है कि उसको स्टडी को किया जाए, स्टडी करेंगे समझेंगे तो उनके सॉल्यूशन समझ में आएंगे, खाली बात करके चीजें नहीं हो सकती, यू नीड टू एक्सपीरियंस टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, बातचीत एक लेवल तक ठीक है कम्युनिकेशन, लेकिन एक्सपीरियंस कोई भाषा नहीं, तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है पीएलआर, आपको एक्सपीरियंस करना है पास्ट लाइफ कैसे काम करता है, आप कहाँ पे जा सकते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, अगर एक्सपीरियंस करना है तो लर्न करिएगा एंड देन इट विल हेल्प यू टू गेट इनटू द पीएलआर। ओनली व्हाट वी नीड इज पर्पस, पर्पस ऑफ गोइंग टू, पर्पस भी आपको जब ही मिल पाएगा जब आप उसके सब्जेक्ट को पढ़ेंगे समझेंगे, तो देन यू कैन आल्सो एबल टू फाइंड द पर्पस, बिना सब्जेक्ट के अंदर उतरे किसी चीज को डिफाइन कर पाना मुश्किल होता है, सो
while ending this session of today, and I request you all to get your participation done. And जो लोग सीखना चाहते हैं, they are all most welcome. Advanced PLRD class support ऐसे start होगी. और gap का purpose रखने का यही है. काफी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि उनको advanced PLRD करना है, but basic नहीं किया. So those who need to do basic first, उनके पास time है. फिर 10 दिन का time है दूसरा. They can get the videos from the academy and review the videos. उसके अंदर जो क्लासेज आना चाहिए उसमें 24-25 कुछ क्लासेस होगी उसमें व्हाटएवर नंबर शायद चेक. तो उन क्लासेस को आप एक बार गो थ्रू करें, आपको 10 दिन का टाइम लेगा. अगर आपने उस क्लासेस सारी नहीं भी होती है, लेट अस अज्यूम कि 10 दिन में सारी नहीं होगा, 10 दिन के हिसाब से एक क्लास पर डे ही लेते हो, 10-12 क्लासेस हो जाएंगी. इट इज़ गुड एनफ टू स्टार्ट दी एडवांस लेवल. उतना भी अगर आप कर लेते हैं, बाकी क्लास समय साथ सीखते रहना, सीखते रहना. सेकेंडली उसके अलावा प्रैक्टिकल के लिए जब भी नया एडवांस, जब भी नया पीएलआर बेसिस स्टार्ट होगा, यू आर बीइंग इनवाइटेड फॉर द फ्री एलएम, तो आप कर सकते हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट द जर्नी एंड लेट अस बिगिन द एडवांस पीएलआर अंडरस्टैंडिंग. इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. और मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक टॉपिक की. पीएलआर आप कहीं से भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है अपने आप में. बट सेइंग दैट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ फैकल्टी, the level of intent of being by the faculty. ये दो चीजें नियम बदलती है. लोग बहुत लोग करवाते हैं, पर उन फैकल्टी में कितना अपने आप में सक्षम है, ये इम्पोर्टेंट है. इट डजंट मीन कि और नहीं है सक्षम, है बहुत लोग है. एंड इंटेंट अनदर इम्पोर्टेंट, कितना देना चाहते हैं. एडवांस लेवल इज समथिंग विच पीएलआर में आपको एडवांस लेवल आसानी से नहीं मिलेगा, लीव में नहीं मिलेगा ये एडवांस पेरेंटल साइंस मार्केट में आपको. एंड एट द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दैट एकेडमी इज एबल टू डू एंड विद द हेल्प ऑफ उजाला जी एंड द ग्रेट 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 बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द उजाला जी टू ऑल द पार्टिसिपेंट, बिकॉज इस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के ऊपर एडवांस क्लियर टू डू कोई नहीं करवाता, वो भी जूम वाली कोई नहीं करवाता. सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू लर्न एडवांस पीएलआर एंड पीएलआर बोथ. तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको लर्न करें, इसको सीखें, इसको आगे बढ़ें. यही मेरी आपसे लास्ट रिकमेंडेशन है आपको. एंड विद दिस आई थिंक नाउ इट्स अ टाइम टू क्लोज दिस सेशन. अगर आप किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. और उजाला जी आप कुछ कहना चाहिए, अंशु जी आप कुछ कहना चाहते हैं. किसी आप प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. चलो जी आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं. मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जिनको एक्चुअली एक आपकी सोल की स्पिरिचुअल जर्नी देखनी है और आपको ये जानना है कि आप इस लाइफ में क्यों आए हैं, और आप एक्चुअली जानना चाहते हैं कि आप जो आज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, या जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और उनका नॉट ओनली दैट कि यू वुड नो कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसके साथ साथ उसका सलूशन भी आप जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं. तो ये जो एडवांस पीएलआर है, ये सब उन लोगों के लिए है जिनको ये जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरी जर्नी क्या है. उनके लिए पीएलआर एक परफेक्ट क्लास है. तो जिनको जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरी सोल जर्नी क्या है, वो जरूर पीएलआर आप लोग ज्वाइन कीजिए. ग्रेट, तो आज का वेबिनार आज का समाप्त करने का टाइम आ गया. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबने जो है अपना टाइम दिया, कीमती समय दिया, हमें सुना, उजाला जी को सुना. उजाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू जी का बहुत बहुत धन्यवाद. एंड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज बी विद अस फॉर न्यू लॉन्चेस. जल्दी नया अगले हफ्ते के अंदर कुछ और नए लॉन्चेज हैं. कीप मॉनिटरिंग. और जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, दे कैन ज्वाइन द लिंक गिवन इन द चैट, वहाँ से ज्वाइन करें ताकि नए लॉन्चेज के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. एंड सी यू अगेन ऑन फॉर विद एडवांस पीलर ऑन द 17th of August. थैंक यू, धन्यवाद आप सबका. नमस्कार सब लोगों को. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Thank you, thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you.